आवाज आ रही है? यस सर, यस। ओके, तो मेरा नाम शिल्पा मुंडे है। मैंने LLB किया था पहले, और मैंने यहाँ पे APU के लिए डेवलपमेंट में अप्लाई किया था, तो मेरा फर्स्ट टाइम हो गया था। तो मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, क्योंकि मेरा ऐसे ऐसा मैंने लिखा था कि सर ने जैसे हमसे प्रैक्टिस करवाई थी कि सब इश्यूज लिख दो, कि ये इश्यू है, वो इश्यू है, ऐसा है इंडिया में, वैसा है, सारे इश्यूज को एक ब्रॉडली इंट्रोडक्शन में लिख दो, और फिर स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको किस चीज पे काम करना है, और उस पर थोड़ा सा डेटा वगैरह देके तुम उस इश्यू में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, ऐसा लिख दो। तो मैंने वैसे ही लिखा था, मैंने पूरे प्रॉब्लम्स लिखे थे इंट्रोडक्शन में, मेरा बैकग्राउंड लिखा था, फिर प्रॉब्लम्स लिखे थे, और मैंने पावर्टी पे मुझे काम करना है ऐसे लिखा था। तो फिर मुझे कुछ भी ऐसे पे नहीं पूछा गया, मुझे ना मेरे लॉ बैकग्राउंड पे पूछा गया, मुझे मेरा इंटरव्यू बहुत ही जनरल लिया था उन्होंने। तो उन्होंने मुझे एक बात पे फोकस किया उन्होंने कि तुम लॉयर हो, तुम्हारा अच्छे से प्रोफेशनल करियर है, फिर भी तुम APU में क्यों आना चाहती हो? तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है, मैं लॉयर हूँ, मैं अच्छा सा पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन पैसा कमाना ही लाइफ का एम नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, और हम प्रॉब्लम्स को अनदेखा नहीं कर सकते, जो भी प्रॉब्लम इंडिया में चल रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में, घर में, सोसाइटी में, हर जगह पे देखते रहते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बिना देखे आगे नहीं जा सकते, और कहीं ना कहीं हमें वो प्रॉब्लम बहुत सताते रहते हैं, तो हमें उस पर काम करने का मन करता है। और मैं लॉयर हूँ, तो मैं आगे चल के कुछ मूवमेंट में काम कर सकती हूँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में जा सकती हूँ, धरना आंदोलन, स्ट्राइक, ये वो सब कर सकती हूँ, लेकिन चीज ये है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मुझे APU से मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, मैंने ऐसे कहा था उनसे। और वो ये देखते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है, और तीन चीजें वो चेक करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है उस चीज में, और आप क्यों आना चाहते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको और कुछ नहीं है लाइफ में, और कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो चलो APU जाते हैं, ऐसे भी उनको भी ये बात पता है। तो उनको ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो सच में ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं और सच में कुछ जाके करना चाहते हैं बैक टू सोसाइटी। तो हमारा अगर उद्देश्य, अगर उन्हें ऐसा लगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और हम सिर्फ यहाँ पे जॉब पाने के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे इस तरह से कुछ अगर उनको लगता है, तो उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है हम पे। तो हमें उनको ये प्रूव करना है कि हमें प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है, और हमें ये कोर्स करके हमें फिर से सोसाइटी में जाना है, और हमें हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उस पर हमें काम करना है। तो अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि रिसर्च, सॉरी, पढ़ना किसके लिए है, प्रॉब्लम पे काम किसके वजह से करना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं उनको कि जिस जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी के लिए, जिस घर में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस घर के लिए हम खुद काम नहीं करेंगे, तो कोई और आके अगर हमारे लिए काम करके जाएगा, इससे अच्छा है कि हम खुद हमारे प्रॉब्लम पे काम करें। मैं खुद हमारे प्रॉब्लम पे समझना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी जानना है, मुझे भी मेरे प्रॉब्लम पे काम करना है, मुझे मेरे गांव में, मेरे आसपास के एरिया में आके इस इश्यू पे काम करना है। तो यही सब वो चीज़ देखते हैं, आपका इंटरेस्ट सबसे पहले, और आप किसी इकोनॉमिक सिर्फ रीजन की वजह से ही तो नहीं आ रहे हैं, और आपको बैक टू सोसाइटी में जाके कितना काम करना है, और रुपया उतना, वही सब देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू शिल्पा। आई एम ऑडिबल राइट? यस यस सो जय भीम टू ऑल। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं APU के अंदर लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था MA डेवलपमेंट के लिए। और ये सिलेक्शन मेरा जो हुआ था वो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और जैसे कि इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस जो पूछे थे, मेरा इंटरव्यू लगभग हाफ आवर चला था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। तो आगे आगे
हम जैसे आपको पूछना रहा कुछ तो पूछ ले, तो थैंक यू। दीपिका हेलो, आवाज आ रही हेलो, एम आई? हाँ, सभी को जय भीम। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, लाइक टू सी सपना दीदी एंड अनूप सर एंड ऑल ऑफ यू गाइस। सो आई एम दीपिका, लाइक आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पांडिचेरी यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी। उसके बाद मैंने मैं थर्ड ईयर में थी, तभी मैंने एपीओ के लिए अप्लाई किया था। और मेरा सब्जेक्ट था एजुकेशन, एमए एजुकेशन, और उसमें भी हमें प्रेफरेंस डालना था कि हमको कौन से एरिया में लेना है। लाइक इसमें यहाँ आपको मैथ्स भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो मैंने अपने जब मैं अप्लाई कर रही थी तब सभी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा देखा था कि किसमें मैं मुझे इंटरेस्ट आएगा, तो मैं सभी के बारे में देखी थी और मुझे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैंने थोड़ी पॉलिसीज वगैरह पढ़ी तो मुझे उसमें जाना सही लगा। तो मैं अभी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों को बेसिक पढ़ाया सभी चीज़ें, जैसे सोशल साइंस है तो उसमें सोशियोलॉजी पढ़ाया, एंड देन हम लोगों को स्कूल सिस्टम पढ़ाया, साइकोलॉजी पढ़ाया और फिलोसफी पढ़ाया। उसके बाद में हम लोग को है ना सेकेंड सेमेस्टर में ही उन लोगों ने सब्जेक्ट एरियाज में डायरेक्ट कर दिया कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट एरिया वही पढ़ना है एजुकेशन में। तो अभी मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पढ़ रही हूँ। और अभी इंटरव्यू मेरा कैसा हुआ था मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का था। तो जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उन लोगों ने पहले ये पूछा कि जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो आप वहाँ कैसे गए, और मैंने उनको बताया कि मेरा एक साल का गैप है। तो मैंने उनको बताया कि मैं क्योंकि हिंदी मीडियम से थी तो मुझे इंग्लिश नहीं पता था, तो मैंने एक साल का गैप लिया और फिर मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया और मुझे वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ गई, मैंने ऐसा बताया उन लोगों को। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो आपका सोशियोलॉजी और एजुकेशन कैसे रिलेटेड है। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस, हाँ हाँ। तो उन लोगों ने जब मुझे पूछा तो मैंने यही बताया कि हम सोशियोलॉजी में जो भी चीज पढ़ते हैं वो वही बताता है कि एक्चुअल में मतलब सोसाइटी कैसे वर्क करती है और कैसे चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैंने उनको वही बताया कि मुझे रियलाइज हुआ कि एक एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम अगर कुछ भी हम थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो मैंने इसलिए मैंने एजुकेशन चूज किया, मेरा ये उनका आंसर था उनके क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जो आपने सब्जेक्ट एरिया चूज किया है लाइक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो मैंने उनको जो मुझे थोड़ा बहुत पता था वही मैंने बताया कि एक फाउंडेशन एज है तो इसमें हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये बच्चे को आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि जो बच्चे का जो भी डेवलपमेंट है थोड़ा साइंस का उनको बताया कि कैसे हमारा ब्रेन वगैरह डेवलप होता है। तो मैंने थोड़ा उसका बताया और उन्होंने ये भी पूछा कि कि आपने स्पेसिफिक इसके लिए एपीयू क्यों चूज किया। तो मैंने उन्होंने उनको क्लियरली बताया था कि बिकॉज हमको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के चांसेस है इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो उन्होंने पूछा था कि और कहीं पे आपका सिलेक्शन हुआ क्या, तो मैंने उनको बताया था कि हाँ मेरा हुआ था लेकिन मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं उसमें नहीं जाना चाहती और मुझे लगता है कि यही मेरे लिए एपीयू मेरे लिए एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जिससे जो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बट मेरे पास अपना टाइम है जो मैं इन्वेस्ट करके अपनी अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। ये सा मेरा इंटरव्यू रहा था और मैंने इंटरव्यू बेसिकली इंग्लिश में ही दिया था। तो और उसके आगे आपको कोई भी कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। तो मेरा जो एपीयू में हुआ था वो एजुकेशन में हुआ था, पर मेरा बैच था। आपका आवाज ये क्रैक कर रहा है।
हेलो प्योर ऑर्टिपल तो मेरा जो बैच था 2019-21 का बैच था तो उस समय जो मेरा बेसिकली मेरा जो एग्जाम भी जो होता है इंट्रेंस एग्जाम का जो ऑफलाइन हुआ था तो वहाँ पे सेम पैटर्न था जो अभी आपने दिया हो पर हमें भी वहाँ पे ऐसे पूछा था क्वेश्चन था ऐसे था वो ऐसे दिया था हमने बट जो मेरा इंटरव्यू होता तो इंटरव्यू में उन्होंने बस ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे एक तो मेरा जर्नी जो अभी दीपिका ने बताया कि तुम क्यों वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो उसके बाद रिलेटिव एजुकेशन के बारे में पूछा और एक थी जो मेरा बैचलर बैकग्राउंड था तो मेरा बैचलर में मैंने किया था पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स तो उसके बारे में मुझे थोड़ा रिलेटिव पूछा था कि बेसिकली मुझे हिस्ट्री के बारे में पूछा था जो हिस्ट्री उस टाइम कुछ बाबरी मस्जिद का मतलब इशू चल रहा था 2019 में तो उसके रिलेटेड तुम हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करती हूँ इससे तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था और एक उन्होंने मुझे ये दिया था ऐसे केस स्टडी टाइप अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ स्कूल बिल्ड करने के लिए तो आप कैसे स्कूल बिल्ड करना चाहेंगे और किस बेसिस पे एक अच्छे से स्कूल क्वालिटी स्कूल बिल्ड करना चाहोगे तो फिर मेरा आंसर मतलब एक ही मतलब आंसर किया था कि एक तो कि मैं कुछ जहाँ पे मुझे स्कूल बिल्ड करना है तो वहाँ पे मैं एक सर्वे करूँगा उस सर्वे से हिसाब से उस एबिलिटी के उनके स्टूडेंट ने कौन सी चीज़ें की होंगी मतलब जब हम देखते होते कि CBSE का स्कूल और स्टेट बोर्ड वहाँ पे जो कमियाँ देखती थी स्टूडेंट में वो मतलब कमियाँ मतलब एक ये कि क्वालिटी में जो स्कूल मटेरियल चीज़ें से मतलब जैसे करिकुलम है पेडागोजी है जो कुछ ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कम पड़ेंगी तो इस हिसाब से मैं स्कूल देखूँगी सर्वे करूँगा उन बच्चों को देखा कि कौन सी चीज़ें करूँगी करिकुलम की स्कूल के कौन सा करिकुलम चाहिए पेडागोजी क्या होना चाहिए तो उस हिसाब से मैं अपना स्कूल बिल्ड करूँगा और उसी हिसाब से जो टीचर है जो मटेरियल है जो मुझे लगेगा स्कूल बिल्ड करने के लिए वही मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा तो ऐसा मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया था देन और वहाँ पे उन्होंने कि मुझे ऐसे भी पूछा था जो ऐसे में मेरा ऐसे था कि टीचर एज अ गुड टीचर एज ए क्वालिटी टीचर बनने के लिए कौन सी चीज़ें एक टीचर के अंदर होना चाहिए तो वहाँ पे मैंने मतलब एक लिखा था कि रैशनल पॉजिटिव लिबरल और सेक्युलर आइडिया होने चाहिए उनका तो उस आइडिया को उस बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि जो आपने क्वेश्चन मतलब आंसर दिया जो रैशनल बोलते हो जो सेक्युलर जो कि लिबरल टीचर होना चाहिए तो एक ऐसे तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उससे मतलब पूरा कंबाइन करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो ये मेरा पूरा ऑफलाइन चला था जो कुछ भी इंटरव्यू चला था ऑफलाइन चला था कि मतलब इन पर्सन मेरा इंटरव्यू हुआ था तो कम से कम 10-15-20 मिनट के दौरान चला था तो ये था मेरा इंटरव्यू थैंक यू थैंक यू धम्मजी हेलो हाँ आवाज आ रही हाँ जवीम सपना ताई एंड एवरीवन मैं 2017 और 19 के बैच का हूँ मेरा डेवलपमेंट स्टडी में हुआ था और अभी मैं फिलहाल मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ अब तक और अभी मैं PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने उस समय मुझे पता नहीं था मतलब डेवलपमेंट मतलब क्या है मतलब ये जो सब्जेक्ट जो है इसके बारे में उतना मुझे जानकारी नहीं था थोड़ा थोड़ा सा जैसे एक भाई थे अनिकेत भाई करके उस समय APU में वो पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर कर रहे थे तो हमको जानकारी मिला तब अनुप सर ने बताया था कि मतलब APU के लिए अप्लाई कर दो बोल के हम लोगों ने कर दिया था उसमें और मेरा जैसे कि ग्रेजुएशन किया था उसके बारे में थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू में पूछे थे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो बोले थे जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो उड़ीसा के बारे में और जो मेरे प्लेस है कल्चर है खास करके इशू वगैरह जो है फेमिन हुआ था उड़ीसा में वो पूछे थे और उसके बाद माल न्यूट्रिशन के बारे में पूछे थे उड़ीसा में कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है उसका किसके इसके लिए किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस है वो सारी चीज़ें पूछे थे और बाद में खास करके मतलब एजुकेशन के बारे में पूछे थे जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन अम्बेडकर थॉट और बुद्धिस्ट स्टडीज में हुआ था तो उन्होंने मतलब मुझे पूछे थे कि आप APU क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और उसमें ही एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट क्यों सब मतलब चूज करना चाहते हो
डेवलपमेंट कोर्स के लिए, इसलिए मैं कुछ चीजें जो है रिलेट करके उनको बोला था कि अम्बेडकर थॉट से कैसे रिलेटेड है और बुद्धिस्ट स्टडीज से वो कैसे रिलेटेड है, डेवलपमेंट काम किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें। और बाद में उन्होंने कुछ पूछा था, मतलब नेशनल इशू के बारे में कुछ पूछे थे उसमें, और जैसे जीडीपी हो गया, ये सारी चीज़ें आप समझते हो क्या, इंटरनेशनल जो न्यूज़ वगैरह जो उसमें जो चल रहा था उसके बारे में पूछे थे उन्होंने। और उसके बाद कुछ बुक्स पूछे थे उन्होंने कि आप कुछ बुक्स पढ़े हैं क्या, जैसे अम्बेडकर थॉट में मैं पढ़ा था तो उन्होंने पूछे थे कि कास्ट इन इंडिया के बारे में कुछ बताइए, क्या समझे आप एनालिसिस ऑफ कास्ट, वो आप कैसे देखते हैं उसके बारे में मुझे पूछे थे, तो मैंने बताया था। उसके बाद उन्होंने सारे ये ज़्यादातर खास करके मेरे रीजन के बारे में फोकस किए थे, जिस रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब वो पूछ रहे थे कि आपको आपके रीजन के बारे में कैसे आपको नॉलेज है, किस तरीके का नॉलेज है, आप कितना जानकारी है, वो बेसिकली वो जानना चाहते थे। तो और उन्होंने मैंने बताया था कि जैसे मैं वहाँ पे डेवलपमेंट स्टडी करने के बाद कैसे मैं जो सारे जो इश्यू है, जैसे मेरे एसओपी में लिखा था, उस एसओपी में मैंने ये इंसिस्ट किया था कि जैसे गर्ल्स का जो मोबिलाइजेशन होता है और कैसे पेट्रियार्की काम करता है गाँव में, और मोबिलाइजेशन नहीं होता है उनका, कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, गाँव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फंक्शन होता है, उसके बारे में मैंने मतलब एसओपी में बताया था। तो वही इंटरव्यू मैंने जोर देके वो बताया था कि जो जो इशू है मेरे लोकल लेवल में जो दिखता है, मैं एपीयू में पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें और ज़्यादा तरीके से समझने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो एरिया है, मेरे जो रीजन है, उसमें जाके काम करने का बोल के मैंने एम्फसाइज किया था। और उसके बाद ये मैंने बताया था कि मुझे पूछे थे कि आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो फोकस करेंगे, पूछेंगे कि जो अप्लाई करना चाहते हैं एपीयू में वो कैसे इंटरेस्टेड, कैसे समझते हैं, जैसे जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे मैंने नागार्जुनाथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया था, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं उड़ीसा में उनसे टॉच में रहा, वॉलंटियरली जैसे काम करते हैं ऐसे काम किया था, तो मुझे पता था थोड़ा सा कि उनको मैंने हमको ऐसे दिखाना होता है कि हाँ मैं ईगरली मतलब उस चीज़ को जानना चाहता हूँ, तो उसी के बारे में मैंने बताया था उनको, ये था। और ख़ास करके खुद के ऊपर वो जोर देते हैं कि आप कैसे जानते हैं क्या है, उसके बारे में पूछेंगे। और जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं तो डेवलपमेंट का जो होता है उसका 72 क्रेडिट्स होता है, उसका कुछ कोर्स सब्जेक्ट कोर्स जो कोर्सेस होता है उसमें, और फील्ड वर्क होता है जैसे इमर्सन करके होता है पहले सेमिस्टर में, सेकेंड सेमिस्टर में जो होता है उसमें कोर्स जो होता है जैसे कि कुछ ओपन कोर्सेस भी लेना होता है, उसके बाद फील्ड प्रोजेक्ट भी होता है, इंटर्नशिप होता है, ये सारा चीज़ें थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर है। उसी समय मुझे पता नहीं था, लेकिन कि मैं जब वहाँ पे जाने के बाद मुझे ग्रेजुअली पता चला सारी चीज़ें। तो खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जो इशू है अभी जो चल रहा है, लोकल इशू है, नेशनल लेवल पे जो इशू है, इंटरनेशनल लेवल पे जो इशू है, उसके बारे में खास करके मतलब जोर देना चाहिए। प्रिपरेशन हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो खास करके वो पूछेंगे उसी के बारे में, और ख़ास मतलब हम क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट स्टडी अगर करते हैं या तो एजुकेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा। ये था ओवरऑल था। थैंक यू। थैंक यू कौशिक। हेलो, मेरी आवाज आ रही ना समझाते? हाँ आ रही आवाज। हेलो, जय भीम टू ऑल। मेरा नाम कौशिक है, मैं वर्धा से ही बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो बैच थी 2019-21 मेरी बैच थी, और मेरा डेवलपमेंट था एपीयू में। और रिसेंटली मैं एक यहाँ पे जॉब करता था अकोला में ही, यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, और अभी मैं रिसेंटली ये जॉब ने छोड़ दिया है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी मेरा चयन हुआ है। सो प्रिपरेशन करते वक्त एपीयू के तो इंटरव्यू जो रहते हैं, तो जिन्होंने जब फॉर्म भरा होगा स्टूडेंट्स ने,
उन्होंने शायद वो फाइनेंशियल वाला भी फॉर्म भरा होगा, तो मैं दोनों फॉर्म के बारे में या फिर दोनों इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले जो इंटरव्यू होता है वो एक अपना नॉर्मल वाला इंटरव्यू होगा जो एपीयू के लिए लगेगा, और दूसरा जो इंटरव्यू होगा वो फाइनेंशियल जिन्होंने अप्लाई किया है फाइनेंशियल के लिए 100% या फिर 70% या फिर 50% के रिगार्डिंग, तो वो एक इंटरव्यू रहता है। ऐसे दो इंटरव्यूज एपीयू में होते हैं। सो जो पहला जो इंटरव्यू रहता है तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, वो आना ही आना है, आना ही मतलब कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि वो आपको पूछेंगे ही या फिर उसमें से आएगा। सपोज एग्जांपल आप पहला जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है और सबको वो पूछेगा ही, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आपको खुद से प्रिपेयर करके जाना है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली पूछेंगे। तो आपके ऐसे 10 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पूछना ही है। तो और जो एपीयू की जो फैकल्टी है खास करके, जो वो एक बहुत ही फ्रेंडली फैकल्टी है, स्टूडेंट फ्रेंडली फैकल्टी है, अगर आप उनके साथ जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो टीचर है। तो मेरे टाइम ऐसा था कि मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, जैसे एज ए नॉर्मल पर्सन कैसे बातचीत करते हैं, एज ए फ्रेंड के साथ जैसे बातचीत करते हैं, वैसे ही मुझे लग रहा था। सो इंटरव्यू के टाइम ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मली इंटरव्यू दीजिए आपका, क्योंकि ये ऑनलाइन रहेगा तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, बट आप नॉर्मली करके इंटरव्यू दे सकते हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन रहेंगे आपको, तो वही पहला जो क्वेश्चन रहता है, खास करके पहले क्वेश्चन के ऊपर ही आपका इंटरव्यू है वो पूरा डिपेंड हो सकता है, अगर आपने जो पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस किया। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप अच्छे से अगर इंटरव्यू को मतलब मुड़ना चाहते हैं आपकी तरफ, तो ये क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज़ें डालना है कि जिसकी वजह से आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप या फिर आप जिसके ऊपर बातचीत करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से वो इंटरव्यू मुड़ जाएगा। तो आप में जो ये क्वेश्चन है इसमें मैं आपको कुछ टिप्स नहीं दूंगा अभी करंटली, बट आप मुझे बाद में भी मतलब कर सकते। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि क्या क्वेश्चन आ सकते। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है वो नॉर्मली रहेगा, सबको रहेगा, वो कम से कम हमें जो यूर सेल्फ के बारे में हमारे बारे में जो भी बताना पड़ेगा वो कम से कम 60-90 सेकंड में बोलना है। उसमें हमारा बैकग्राउंड आना चाहिए, हमारा एजुकेशन आना चाहिए, अगर हमने कुछ वर्क किया है तो वो आना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए, ये सब चीज़ें आना चाहिए, ये रहेगा। दूसरी चीज़ें आप उसमें ये भी डाल सकते हैं कि आपका जो कोर्स आप ले रहे, चाहे वो एजुकेशन का हो, डेवलपमेंट का हो, MPG का हो या फिर LLM का हो, तो वो कोर्स में लेने के लिए आप उसका पैशन भी डाल सकते हैं, इंटरेस्ट डाल सकते हैं, और APU क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी डाल मतलब बता सकते हैं, अगर वो टाइम आपको मिलता है होगा तो। अदरवाइज वो एक क्वेश्चन तो आपको बाद में पूछेंगे ही कि APU आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, रीज़न क्या है उसका, एक क्वेश्चन पूछेगा आपको। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो जो कोर्स आप कर रहे हैं वो कोर्स आप क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस कोर्स, एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन। क्योंकि अगर मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा बैकग्राउंड था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, सो आई वांट टू शिफ्ट दिस कोर्स टू ये बैकग्राउंड से मैं सोशल बैकग्राउंड में आ रहा था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो एजुकेशन होता है, अगर सोशल बैकग्राउंड से होता तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, बट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आते हैं स्टूडेंट तो उनको ज़्यादा ही मतलब इंटरव्यू लंबा जाता है। मेरा कम से कम 40 मिनट तक गया था इंटरव्यू उस टाइम पे। तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपके UG और PG में अगर कुछ गैप है तो गैप का रीज़न पूछेंगे, आप उन दिनों में क्या किया था वो पूछेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या है, आपने क्या क्या किया है, एजुकेशन अगर इंजीनियरिंग का किया है या फिर कोई भी एजुकेशन आपने किया है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये पकड़ के चलिए। बाद में आपको पूछ सकते हैं कि जैसे मेरा जो इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि डेवलपमेंट के बारे में क्या था, बट मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे एक टर्म थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एक टर्म थी, उसको मैंने ज़्यादा फोकस किया था मेरे इंटरव्यू में, तो वो उसको लेकर ही मैंने मेरा पूरा इंटरव्यू प्रिपेयर किया था, और उसके रिगार्डिंग आजू बाजू में जो कुछ भी है वो प्रिपेयर किया था, और उसके ऊपर ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। सो हम ऐसा कर सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट के हिसाब से हम इंटरव्यू जो पैनल रहेगा उनको मतलब बना सकते हैं, ये रहेगा। फिर उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि आपके लाइफ के बारे में,
मुझे ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि जो जैसे अभी मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो विलेज से बिलोंग करता हूँ तो आपके विलेज में कौन मतलब सरपंच कौन है, या फिर उतने मेंबर कितने रहते हैं आपके एरिया, जो अभी से वर्धा मैंने बताया था तो सेवाग्राम जो है, तो सेवाग्राम में वहाँ पे स्पेसिफिक मतलब एक तो कोई लीडर होगा, लीडर के बारे में पूछेंगे, जैसे सेवाग्राम अगर आता है तो महात्मा गांधी के बारे में पूछेंगे, या फिर नागपुर आता है तो फिर बाबा साहब के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ आपके एरिया के वाइज आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मतलब लीडर के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ फेमस कुछ होगा तो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो आपके उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पॉलिटिकल के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग, या फिर इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये होने के बाद आपको ये एक नॉर्मल इंटरव्यू रहता है, और जैसे ही ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, इसके ऊपर आपको जिस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो वो वैसे वैसे क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएंगे, नॉर्मली भी बढ़ते जाएंगे, और ऐसे भी मतलब जो कुछ भी बोलेंगे वो बढ़ते जाएंगे। मेरे इसमें ऐसा होता कि क्विस्ट जैसे हुआ था कि मतलब वो हमें क्रॉस भी करेंगे, तो जैसे 2019 का जब इंटरव्यू था तो उस टाइम पे इलेक्शन का माहौल था, तो इलेक्शन के ऊपर भी मुझे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सफाई कर्मचारी थे तो उनके पैर धोए थे, तो उन्होंने मुझे क्रॉस किया था, तो आपका क्या था मतलब आपका व्यू क्या है करके, तो मैंने बोला कि ये पॉजिटिव वे है कि समाज में एक अच्छा सा इमेज जा रहा है, बट उन्होंने फिर मुझे क्रॉस किया था इसके ऊपर। तो हमें ये जो क्रॉस क्वेश्चन आते हैं कभी कभी पूछेंगे, क्रॉस करेंगे, तो आपको पेशेंसली आंसर देना है, कोई डरने की चीज़ नहीं है, तो आप पेशेंसली उनको बता सकते हैं कि ये भी एक दूसरा पहलू है, तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं। तो कुछ उसके बाद ये इंटरव्यू होने के बाद आपके पास एक फाइनेंशियल इंटरव्यू भी रहेगा, जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए, तो फाइनेंशियल इंटरव्यू में आप अच्छे से उनको ऐसे मतलब बताइए कि जैसे कि आपको अच्छे से मतलब 70% या फिर 100% फाइनेंशियल मिल जाए, जिस तरह से आप क्योंकि APUP अभी मैंने देखा है कि APUP की फीस बढ़ रही है, और हॉस्टल का और कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो हम जैसे स्टूडेंट्स को वो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप ऐसे मतलब कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको 100% मिल सकता है, तो आप वो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल के इसमें आपको पूछेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जो कुछ भी है वो पूरा पूछेंगे, आपके पास लैंड कितना है, घर कैसा है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, इनकम क्या है, देन आपको पूछ सकते हैं कि कोई लोन लिया है क्या एजुकेशन के वक्त, या फिर ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें आपको पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दो इंटरव्यूज के बारे में। अगर आपको बाद में भी अगर मतलब मॉक इंटरव्यू जैसा कुछ अगर करना है, या फिर कुछ पर्सनली पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं शायद आपको पर्सनली भी बातचीत कर सकता हूँ इसके ऊपर। और जब भी आप इंटरव्यू अगर किसी मतलब APU का इंटरव्यू आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो जो प्रोफेसर है जो भी इंटरव्यू लेंगे वो पूरे जनरली बहुत सारे लोग तो वो स्टूडेंट्स फ्रेंडली होते हैं, तो आप फ्रेंडली जैसे या फिर नॉर्मली आप बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको APU का विजन और मिशन पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि उसके ऊपर वो काम करता है उनका APU और APF ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बोल सकते हैं, तो इसका आपको विजन और मिशन ये आपको पता होनी चाहिए। आपको फिर नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज या फिर करंट इश्यूज जो आजू बाजू में अभी चल रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से इतना ही। या थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू पुनम। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडियोबल? यस कुनाल। या हेलो, माय नेम इज कुनाल एंड JBM 12th फर्स्टली। तो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली अगर इंटरव्यू के बारे में बताया जाए तो मैंने अप्लाई किया था एक्सपीरियंस होल्डर के हिसाब से, तो मेरी एग्ज़ाम पहले ही हो चुकी थी 10 जनवरी को, और मीन्स उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ फेब को, मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ फेब में। तो मेरा जो क्वेश्चनिंग था तो मेरा पूरा इंटरव्यू मीन्स मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने पढ़ाने का उसके हिसाब से हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए यही था कि तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो पर तुम सोशल फील्ड में क्यों आना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? तो और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाँ ठीक है तुम तो पढ़ाते हो
लेकिन तुम पढ़ाते हो किनको, जो बारहवीं पास मीन्स ट्वेल्थ पास जो है ना उनको पढ़ाते हो, लेकिन ये जो है अपना क्या बोलते हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या APU है वो तो 8th स्टैंडर्ड तक मीन जितना भी जो कोर्स डेवलपमेंट है उनका वो 8th स्टैंडर्ड तक है, मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड तक, तो आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाओगे। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने क्या बहुत बड़ी गैप है आपकी ग्रेजुएशन के बाद, तो आपने इस टाइम में क्या किया। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने 3 साल काम किया, उसके बाद कोविड लग गया, तो फिर कोविड में मैंने घर पे बच्चों को पढ़ाया था, तो बच्चों को पढ़ाया था तो कौन से बच्चों को पढ़ाया था वो पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया, तो पूछे वो फिर उन्होंने उस पर सवाल चालू कर दिया कि आपको तो उनके बारे में पूरा का पूरा पता ही होगा कि उनके बुक्स में क्या है, वह क्या है क्या नहीं है, तो आप ये बताइए कि आप किस प्रकार से उनको पढ़ाते थे और बुक्स में जो आपके महाराष्ट्र लेवल या फिर CBSE का जो बुक है जो आप उनको पढ़ाते हो उन पे क्या बदलाव लाना चाहोगे, मीन्स कुछ कुछ अच्छी बात है या कुछ बुरी बात है उस बुक्स के बारे में बताइए। तो बेसिकली मेरा प्रॉपर इंटरव्यू 40 मिनट इसी चीज़ पे हुआ कि आप ये सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ऑब्वियसली बात है कि आप APU में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो, why APU, why not other universities, so and second question ये आता है कि इसी कोर्स में क्यों, why you choose education, and अभी तो पहले कैसा था कि पहले हम फील्ड अपना चूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम अपना फील्ड चूज करते हैं कि मीन्स जैसे दीपिका ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैथ साइंस सोशल साइंस उसके बाद लैंग्वेज और अर्ली चाइल्ड मीन्स ये ऐसे 5 फील्ड है जो हम पहले ही चूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जो आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपको क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपने अगर मैथ चूज किया तो आपने मैथ ही क्यों चूज किया, आपका इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ उसमें, अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड किया है तो आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। तो जैसे कौशिक भाई ने बताया कि वहाँ पे 2 इंटरव्यू होते हैं, बिल्कुल, तो पहला इंटरव्यू जो हमारा मेन होता है और दूसरा अपना फाइनेंशियल एड के लिए होता है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके रिलेटेड प्रॉपर और आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, जो आपका पॉलिटिकल लीडर है, और उसके बाद जो आपका बहुत ज़्यादा मीन्स आपकी सराउंडिंग में जो सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को किस वे में लेके जाते हो। जैसे मेरा स्टार्ट हुआ था कि क्यों लेना चाहते हो क्या, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद सीधा सा बुक्स पे आया था, तो वो बुक्स पे ही पूरा घुमाते रहे, उस पे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किस वे में लेके जाना चाहते हो। सो बेसिकली यही था, और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू प्रवेश। हेलो जय भीम, मेरा नाम संघशील है, आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ डेवलपमेंट, और मेरा अभी 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरा जो मीन्स इंटरव्यू था, तो एक दिन पहले टीस का इंटरव्यू था और दूसरे दिन APU का था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरा आप थोड़ा एक दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो इस वजह से उनको पता था कि उन्होंने की कुछ रीजन होगा, तो दूसरे दिन मेरा नाम ही नहीं आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं एंडिंग तक बैठा रहा, फिर उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बाहर जाके आइए, और मैं बाहर गया तो वैसे ही कॉल किया कि पैनल आपका वेट कर रहे हैं, तो मैं दौड़ते हुए गया, तो बेसिकली उन्होंने बिठाया और पानी की बॉटल दिया, और जब मैं पानी पी रहा था उन्होंने सारे क्वेश्चन एक साथ ही पूछ ले कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, अब आपका इंटरेस्ट क्या है, आप APU क्यों आना चाहते हैं, तो ये मुझे इसका थोड़ा फायदा हुआ, तो उस हिसाब से मैंने बताया कि मेरा प्लेस क्या है, मैं कहाँ से आता हूँ, तो आई टेल देम माय विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में उन्होंने उनके पास मेरा SOP था, तो SOP में जो मैंने AC लिखा था वो क्वेश्चन ये था कि आपको इंडिया में कौन सा ऐसा बड़ा इशू लगता है जो सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए,
तो मैंने पावर टी पे लिखा था, और पावर टी में लिखा था तो उसमें ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट एक आया था इनकम इनइक्वालिटी के बारे में, कि 10% लोगों के पास 80% प्रॉपर्टी इकोनॉमिक रिसोर्स है, तो उसका मैंने वहां पे लिखा था। और उसके बाद में एक कास्ट का एंगल लिखा था कि थाउजेंड ऑफ ईयर की एक बड़े तबके को इन सब अधिकारों से वंचित रखा गया था, तो उस बारे में उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा पूछा, उसका मैंने आंसर दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट थे उसके बारे में पूछा कि आपके क्या सब्जेक्ट थे, तो सब्जेक्ट मैंने बताया मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर था। तो इंग्लिश लिटरेचर पे उन्होंने और क्वेश्चन किया कि क्या पढ़े आप इंग्लिश लिटरेचर में, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं कौन से बुक्स पढ़ा, नॉवेल्स पढ़ा, पोएम्स के बारे में पढ़ा, और दो चार बुक का नाम लेके उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी लाइक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी एक किताब है, नॉवेल है, तो उसमें उनका एक फेमस कोट है, द मैन कैन बी डिफीटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ऐसे दो तीन चीजें बताया। फिर फुले जी का लिटरेचर है, फिर डॉक्टर अम्बेडकर का लिटरेचर है, एनालिसिस ऑफ कास्ट कास्ट इन इंडिया, तो ये सब मैंने उनको बताया कि मैं ये सब पढ़ा करके। उसके बाद में उनका जो क्वेश्चन था कि आप एपीयू क्यों आना चाहते हैं, तो मैंने उनको अपना एजुकेशनल जर्नी बताया कि मैं गांव से तहसील गया एजुकेशन के लिए, फिर तहसील से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, फिर डिस्ट्रिक्ट से नागपुर में आया डिविजन लेवल पे, बट एजुकेशन का जो क्वालिटी है तो क्वालिटी वैसा ही था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो वहां पे उनको थोड़ा एक एग्जांपल दिया कि मेरे जब हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे थे तो प्रोफेसर बस आके हिस्ट्री की बुक पढ़ के बताते थे और बस हो गया, मेरा लिटरेचर था लेकिन लिटरेचर में भी ऐसा कुछ उन्होंने ज्यादा पढ़ाया नहीं, तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उतना कुछ खास है नहीं, तो ये मैंने बताया, तो इसलिए मैं क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बताया तो उन्होंने कहा कि आप जो बता रहे तो ये तो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, तो आपने एजुकेशन क्यों नहीं लिया, व्हाई डेवलपमेंट एंड व्हाई नॉट एजुकेशन, तो फिर मैंने उनको बताया कि एजुकेशन इज वन ऑफ द डेवलपमेंट इशू पर वही नहीं है। फिर मैंने ट्राइबल के बारे में एक पत्तलगढ़ी मूवमेंट था उसके बारे में उनको बताया। उसके बाद में मेरे एरिया में जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मेरे एरिया में दारू के अड्डे जुआ जो रहता है तो मेरे एरिया में वो ज्यादा है और मेरे घर के आजू बाजू में वो ज्यादा चलते हैं, तो मैं बोला कि ये बस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इसमें क्यों ज्यादा रहते हैं, तो आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दैट एंड मैं आगे इसके ऊपर थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से मेरा इंटरव्यू रहा। इसके अलावा मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि आपका जो इंटरव्यू होगा तो वो स्पेसिफिकली आपके लिए घर से क्वेश्चन बना के तो नहीं लाएंगे, वो आपने जो इंफॉर्मेशन उनको दिया है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने जो एसओपी लिखा है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट्स है, फिर कुछ जनरल क्वेश्चन की व्हाई एपीयू व्हाई डेवलपमेंट, और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके एरिया के जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप गढ़चिरौली में हैं तो नक्सलिज्म के बारे में, या फिर गढ़चिरौली में एक मिंडा लिखा करके विलेज है उसके बारे में वो कैसे जैसे लोगों को ज्यादा पता है, या फिर ड्रॉट प्रोन एरिया से अगर आप है तो फार्मर सोसाइटी के ऊपर आपके एरिया के जो इश्यूज है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कुणाल भाव ने भी बताया और बहुत से सभी ने बताया कि एपीयू जो बना है वो एपीएफ के थ्रू बना है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और उनका एक मोटो है टू फॉर्म ए जस्ट इक्विटेबल सस्टेनेबल सोसाइटी, तो वो चाहते हैं आपको पूरा 100% तक स्कॉलरशिप देते, तो वो चाहते कि थोड़ा हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे थोड़ा सोसाइटी के लिए काम करें, तो इस वजह से आपका सोसाइटी में जो ऑब्जर्वेशन रहता है ये सब चीजें उनको दिखना चाहिए, तो बस यही। इसके अलावा आप जो इंटरव्यू है वो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही देना चाहिए, आप यू कैन स्टार्ट इन इंग्लिश बट यू कैन टेक देयर परमिशन एंड लेटर यू कैन चेंज टू हिंदी, तो आप पूछ के कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, और ठीक है इतना इतना ही पूछा था, थैंक यू। प्रवेश, थैंक यू। हेलो, आप क्या बताएं। मैं प्रवेश हूँ।
सपना सपना हेलो अभी कितने हाँ कितने और बच्चे बाकी बस है एक है प्रवेश के बाद एक प्रवेश के बाद और कोई बाकी है विजय अच्छा ठीक है क्योंकि हाँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखना सारे बच्चे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें प्लीज आप अपना हैंड रेस करें सपना आपको अनम्यूट कर देगी ठीक है चलो भाई शुरू करो प्रवेश फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं थैंक यू सर हाँ मैं आपका सुनने के लिए स्पेशल आया हूँ हेलो हेलो एवरीवन जय भीम टू ऑल जो भी मेरा अभी तक का जर्नी है नालंदा से लेकर एपीयू तक का वो काफ़ी अच्छा रहा है रही बात एपीयू के सिलेक्शन की तो मेरा जो भी एंट्रेंस एग्जाम था काफ़ी अच्छा गया था उसके बाद जो मैंने एसओपी लिखा था उसका जो कि बेस था सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट और ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे मेरे एसओपी से आए थे जो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया था उसके बाद उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था अबाउट योर सेल्फ वाई एपीयू एनी बुक और क्या तुम किसी किताब को पढ़ते हो तो मैंने किताब तो नहीं पर मैगजीन ज़्यादा प्रिपेयर करता था मैं डेली तो उसके बारे में बताया था जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कोई उसको भी मैंने शेयर किया और सोशल एक्सपीरियंस जो भी है वॉलंटियर वर्क जो भी किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क मिलकर वगैरह वो अगर तुम्हारे पास हो तो उसका भी थोड़ा जिक्र करना चाहिए उनके साथ अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो जो कि फ्यूचर के लिए तुम्हें कोई काम करना हो किसी थीम पे अगर तुम्हारा कोई भी थीम डिसाइड हो जैसे कि कोई सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है किसी का वर्क होता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करे अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्यूचर आइडिया हो तो वो भी तुम शेयर कर सकते हो उसके बाद ऐसे पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा तुम्हें कि जो भी तुमने ऐसे लिखा है उसको ध्यान याद रखना क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थ्रू भी करेंगे क्योंकि उन्हें क्योंकि तुम्हारा जो भी राइटिंग है वो सब उसी से उनको समझ में आएगा कि इनका लिखना और पढ़ना कैसा है तो थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहना अगर तुम्हें और अदर कुछ फ्यूचर प्रिपरेशन करना हो तो कुछ सब सॉफ्टवेयर्स है जो कि डेवलपमेंट स्टूडेंट के लिए खास करके अवेलेबल होते हैं स्टेटा आर और पाइथन इसका भी अगर अभी तुम फ्री होंगे तो इसका कोर्सेस कर लो ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी काम आएगा ये चार तीन सॉफ्टवेयर और रही बात कि तुम अपने जो भी आंसर है ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लो जितने भी मेन आंसर है उसके लिए और जो भी किताबें आपने पढ़ी है तो अगर पढ़ी होंगी तो ही डिस्कस करना अलावा नहीं तो नहीं क्योंकि अगर पढ़ी है तो थोड़ा बहुत डिटेल्स भी पूछ सकते हैं तो ऐसे ही किताब बताना है जिसको तुम्हें अच्छे से पता हो ठीक है तो यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा और बाकी तो ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं बाकी सब ने उसका तो कवर कर लिया है थैंक यू विजय यस सबको मेरी आवाज आ रही है क्या यस सर ओके हेलो एवरीवन एंड जय भीम मेरा नाम विजय खेतकर है और मैं यहाँ पर एमए एजुकेशन फर्स्ट ईयर में हूँ मेरा स्पेशलाइजेशन है मैथ्स तो एजुकेशन के लोगों के लिए 5 स्पेशलाइजेशन वो ऑफर करते हैं मैथ्स साइंस सोशल साइंस लैंग्वेज एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ठीक है तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है एलुमनाई की तरफ से तो उस पर कुछ एडिशन मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू को अगर हमको क्लियर करना है तो हमको चाहिए कि उन लोग को क्या एक्सपेक्टेड है हमसे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस ठीक है तो जनरली ऐसा होता है कि एपीयू में कि वो ऐसा नहीं मानते कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता हो मतलब बहुत सारे जनरल नॉलेज से भरा हुआ हो इंसान ऐसा वो नहीं चाहते वो चाहते कि आपकी थिंकिंग रैशनल हो आप अच्छे तरह से मतलब ऐसे ह्यूमन की तरह सोचिए आप तो ऐसे कैंडिडेट्स वो प्रिफर करते हैं हमेशा और आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आप इंटरेस्टेड होने चाहिए ये सारे मुद्दे हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन रहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और वहीं से आपका तय होता है कि आपका इंटरव्यू किस तरफ जाएगा
तो उसमें बेसिक सी चीजें आप बता सकते हो, बाकी सारी चीजें तो कवर हो गई है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप अपनी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आप उनको बता सकते हो कि मैं इन चीजों में बहुत ही पक्का हो गया, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, मैं दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी को अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ आपकी और आपकी वीकनेसेस, जब भी आप अपनी वीकनेसेस बताएंगे तो आप बाद में ये जरूर बताना है कि मैं उस पर क्या काम कर रहा हूँ, ओके। सो इंट्रोडक्शन में आप स्ट्रेंथ और वीकनेस और अलग से ऐड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप अपना इंटरेस्ट एरिया चूज करते हैं, जैसे डेवलपमेंट पीपल है या फिर एजुकेशनल पीपल है, तो उस एरिया में आप अपने लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरा एम है कि मैं एजुकेटर बनना चाहता हूँ, अच्छा, या फिर कोई स्टूडेंट है जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो सिवाय प्रिपरेशन के, मतलब प्रिपरेशन की अपनी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एपीयू का एंट्रेंस, उसके अलावा उस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने लेवल पे आपने क्या एफर्ट्स डाले। जैसे कि अगर मेरा एजुकेटर बनने का है, तो मैंने क्या किया कि बच्चों को पढ़ाया, जो मेरे स्टूडेंट्स थे लाइब्रेरी में रेलवे का और एसएससी का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे, तो मैं पढ़ रहा था खुद, तो मैंने उनको भी पढ़ाया, तो ये हो गया मेरा कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने में और साथ साथ में मैं अपने लेवल पे कुछ कर रहा हूँ। तो आपकी छोटी मोटी जो भी स्कूल लेवल की या फिर उसके बाद भी आपने अदर कोई एक्टिविटीज की हुई है, तो आप उसको एज अ अचीवमेंट आप उनको बता सकते हो, उस पर वो क्वेश्चनिंग करेंगे, और हर बात पे आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो आप उसके लिए स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की भी कुछ चीज होती है, तो बहुत सारी चीजें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, और वो आपको बैकग्राउंड के रिलेटेड भी कनेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाई यू चूज डेवलपमेंट, व्हाई यू चूज एमपीजी और व्हाई यू चूज एजुकेशन। तो आपका प्रीवियस जो बैकग्राउंड है उससे कनेक्टेड आंसर होना चाहिए, जो भी जस्टिफिकेशन है वो आप पहले से तैयार करके रख सकते हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाई अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप आना चाहते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में और आपको पता ही नहीं है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी क्या है, उस यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी बनाने और बच्चों को पढ़ाने के पीछे। तो आपको वो बेसिक से मोटो जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आप जा सकते हैं कि वेबसाइट आप अच्छे से खंगाल सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर अपने कोर्स रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि ये कोर्स क्या है, कैसे होगा, कौन से सब्जेक्ट है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको उस सब्जेक्ट से, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, कि इस यूनिवर्सिटी का एम क्या है, ये कब बनी, कितने साल हो गए, कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है, कौन से एरियाज में स्टूडेंट्स आते हैं, कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी थोड़ा पता होना चाहिए, प्रोफेसर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी एडिशनल चीजें हैं। और दूसरी बात है कि मीडियम ऑफ टॉकिंग, जो भी आपका है इंटरव्यू का मीडियम क्या होना चाहिए। तो मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि जितना आपको हो सके आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, हो सकता है जिनको कंफर्टेबल नहीं है फिर भी आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि आपकी टूटी फूटी इंग्लिश कई मायने में ज्यादा इफेक्टिव उनको लगेगी फ्लुएंट इंग्लिश से। तो आप टूटी फूटी बात करेंगे तो उनको लगेगा, और उनको लगना भी चाहिए कि स्टूडेंट इज ट्राइंग, उनको ये लगना चाहिए कि बच्चा एफर्ट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव नोट होती है। जब भी आपको दिक्कत हो इंग्लिश में, आप नहीं सोच पा रहे वर्ड्स को, सेंटेंस को, तो आप थोड़ा स्विच हो सकते हैं विद परमिशन, उनका परमिशन ले लीजिए कि क्या मैं एक दो सेंटेंस हिंदी में बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं इंग्लिश में नहीं पहुंचा सकता, अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो वो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो एक दो सेंटेंसेस के लिए आप हिंदी में स्विच हो सकते हैं, उसके बाद फिर से आप रिटर्न आइए इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश ऐसा आप यूज कर सकते हैं अराउंड इंटरव्यू के टाइम पे, और बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई आई थिंक। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट जेबीएम टू ऑल। थैंक यू मुझे कुछ कहना। हेलो, हाँ तो एक दो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। सो जैसे कि सबने ऑल क्वेश्चन कवर कर लिए, बट इन इंटरव्यू के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई कोई आंसर ऐसे आते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, उसका आइडल आंसर नहीं होता, वो तुमको वहाँ पे
प्रेजेंस ऑफ माइंड को रख के बोलना पड़ता है। सो और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो हम एसओपी लिखते हैं तो एसओपी के अंदर हम बेसिकली कोई कोई टर्म यूज करते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है, जैसे कैपिटल इनकम क्या होता है, जैसे कि एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, तो कभी कभी वो ऐसे टर्म उठा के आपको पूछ लेते हैं क्या ये क्या है, तो इसको आप एक्सप्लेन करो। तो जिन जिन स्टूडेंट ने जो ऐसे टर्म्स यूज किए हैं, जैसे आपके पास उसका होगा कॉफी, तो उसमें से आप देख के उसको हाईलाइट करके उस टर्म के बारे में भी जान लो। और जैसे कि और एक आंसर है, जैसे कि बहुत बार पूछते हैं कि आप एपीयू क्यों आना चाहते हैं, तो मैंने देखा है दो तीन, मतलब बच्चों से भी सुना है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर ये हो सकता है मे बी कि एपीयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ऐसा आंसर उनको, ऐसा आंसर नहीं चाहिए उनको, मतलब थोड़ा डिफरेंट आंसर चाहिए कि तुम क्यों एपीयू आना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस बता के, तुम्हारे रीजन के प्रॉब्लम बता के, और तुम आगे इस कोर्स में सीख के तुम आगे कैसे तुम इसको कोर्स को हेल्पफुल होगा तुम्हारे आगे के करिकुलम या आगे के फ्यूचर में। तो ऐसा बेस बना के देना, ना कि ये नहीं बोलना कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी ये होता है। और जैसे कि हमने जैसे अभी एक 6-7 महीने के इनके क्लास वगैरह अटेंड किए हैं, तो हमको प्रोफेसर का थोड़ा माइंडसेट का बारे में मतलब थोड़ा बहुत तो पता, मतलब उनके क्या सोच रखते हैं। जैसे कि कोई कोई स्टूडेंट ये भी बोल देते हैं कि सर मैं एपीयू इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग ए चेंज इन सोसाइटी। सो अकेले से इंसान से तो कोई सोसाइटी में चेंज वगैरह नहीं आएगा, तो तुम इस आंसर के बदले तुम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जैसे सर आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन समथिंग, लाइक कम्युनिटी के अंदर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत मेरा जो भी मैं लर्निंग कैंपस में लिया, जो ये सिलेबस से लिया हो, तो मैं उसको थोड़ा रिप्लीकेट करना चाहता हूँ इश्यू जो है उसको सॉल्व करने के लिए। और जैसे कि मुझे और पूछा था कि तुम लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, अगर तुमने बुक पढ़ी है तो ही बताना, ऐसे मत कि समरी पढ़ लिया किसी की और बता दिया तो तुम वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। और एक मिनट, और जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये पूछा था मुझसे कि तुम डेवलपमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, हर एक का डेवलपमेंट का मीनिंग हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे कि तो तुम कैसे डेवलपमेंट को देखते हो, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या मायने रखता है, जैसे कि इसका भी कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसको भी तुमको एक सोच समझ के एकदम 3-4 एंगल से, पूरे एंगल से देख के तुमको इस आंसर, इसका आंसर बनाना होगा। सो इतना ही बोल रहा था टाइम, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी तो सबका हो गया है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो प्लीज जितने भी हमारे अभी न्यू स्टूडेंट है वो अपना अपना क्वेश्चन रखिए, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, धर्मेंद्र से पूछ सकते हैं, भाई राहुल ठौरे भी है उनका रह गया सर, राहुल ठौरे क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा ना सर। ठीक है ठीक है, चैट पे क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट्स आप हैंड रेज कर सकते हैं आपको अगर बात करके क्वेश्चन पूछना है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं मैसेज। विजय क्वेश्चन आया है सुनील का, आपको दिख रहा है कि बताओ? नहीं थे, मुझे भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहे थे। ओके, उनको ऑडियो कर दीजिए, फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के जस्ट बाद फाइनेंशियल इंटरव्यू होगा क्या? कैन आई टेक दिस क्वेश्चन? यस यस। So, अभी कैसे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जो पर्सनल इंटरव्यू है, जो आपका डिसाइड करेगा कि यू आर सिलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी फॉर प्रोग्राम और नॉट। तो सबसे पहले आपका ये मेन इंटरव्यू होगा, और जिन बच्चों का ये मेन इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो आपका फाइनेंशियल इंटरव्यू लेंगे। पहले जब पर्सनल इंटरव्यू होता था तो ऐसा सिस्टम था कि वो दोनों इंटरव्यू एक साथ ही ले लेते थे, लेकिन अभी पहले वो ये मेन इंटरव्यू लेंगे, और अगर आपका फिर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो आपका फाइनेंशियल इंटरव्यू लेंगे। और फाइनेंशियल इंटरव्यू में आपको सही से बताना है कि आपके एक्सपेंसेस वगैरह क्या है, घर का पूरा डिटेल होता है वो,
और उसी के बेस पे आपको जितना परसेंटेज स्कॉलरशिप अलाउ होती है वो फिर ऑफर लेटर के साथ आपको पूरा मेल आता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं और आपको इतनी परसेंटेज स्कॉलरशिप दी गई है। स्कॉलरशिप में भी तीन टाइप है, एक तो है ट्यूशन फी का माफ होना, दूसरी बात है अकोमोडेशन मतलब हॉस्टल का फ्री हो जाना, और तीसरी बात है फूड का मतलब खाने का खर्चा माफ हो जाना। तो अकॉर्डिंगली वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो ट्यूशन की 100% माफ कर दे लेकिन खाने का और हॉस्टल का आधा आधा परसेंट 50% माफ कर दे। तो ये चीजें पॉसिबल है, ये सारी चीजें आपको फाइनल जो मेल आता है सिलेक्शन का और ऑफर लेटर का तो उसमें सारी चीजें वो हो जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं होगी दोनों इंटरव्यू, पहले सिलेक्शन का इंटरव्यू होगा उसके बाद फाइनेंशियल का होगा। मैं सभी को मतलब जिसको भी बोलना है क्वेश्चन करना है वो प्लीज अपना हैंड राइज करें, फिर मैं उनको कन्वर्ट कर दूंगी। भाई रितेश ने हैंड राइज किया है, रितेश और आशीष ने, आशीष ने भी किया है। हेलो, हां रितेश आवाज आ रही है, आई एम ऑडिबल मैम? हां रितेश यू आर। हां तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जब ये एग्जाम ऑनलाइन हुई ना तो इस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर हमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज वगैरह फेस हुए, तो उसकी वजह से हमारा मेरा जो एसे था मतलब जो टाइम था वो 30 मिनट बचा था। जब मैं ऐसे लिखने बैठा तो मेरा टाइम डायरेक्ट रिड्यूस हो गया और 3 मिनट बच गया, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा ही नहीं, 2-3 लाइन लिखी। तो मैं ये पूछने वाला था कि मैंने ये मतलब ये हुआ तो वो मुझे अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या करेंगे, मतलब ऐसे लिखना हुआ ही नहीं। हेलो, मैं आंसर दूं क्या? तो वो दिमाग से निकाल दीजिए, अब आपने पूरा नहीं किया तो नहीं किया है ना, तो वो आपसे आपके व्यूज पूछ सकता है, बट वो एग्जैक्टली क्या पूछेगा ये हम कैसे बता सकते हैं आपको, आप उसमें स्टक हो उसी चीज में। मैं पिछली बार भी बोला था कि आप उसको भूल जाओ और आगे बाकी तैयारी करो आप, है ना, आपका रिटर्न हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, यू शुड नॉट गेट स्टक दैट वन क्वेश्चन। बाकी मेंटर्स आपको जवाब देंगे वो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा आइडिया है, मेरे को लगता है कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई है और आप उसको निकाल नहीं पा रहे, तो इट विल अफेक्ट योर इंटरव्यू। बाकी कोई मेंटर जवाब देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। यस जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ऐसे हुआ है मतलब बीच बीच में उनका टाइम चला गया मतलब आउट हो गया, तो उसी में आप ऑनेस्टली बोल सकते हैं अगर वो पूछते हैं तो, अदरवाइज हमको नहीं बताना है। ऑनेस्टली वो पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरा टाइम ये हो गया था, टेक्निकल इश्यू ये हुआ था, आप ऐसे बता सकते हैं नॉर्मली अगर पूछते हैं तो, अदरवाइज नहीं हमको वो आंसर मतलब अवॉइड करना। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी यूनिवर्सिटी भी इस बात को जानती है कि जो बच्चे हैं वो बहुत मतलब रिमोट एरिया में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, और इंडिया में 70-80% लोगों को पक्का हाउस भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और कोरोना की वजह से बहुत सारी मुश्किलें बढ़ गई है। तो आप डायरेक्टली बता दीजिए कि ऐसा ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम था, और वो समझते हैं उसी पे काम करते हैं वो। एक्चुअली हम हर क्लास में ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चीज अफेक्ट कर रही है रूरल पॉपुलेशन को, एजुकेशन में कितना सारा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये टेक्नोलॉजी मतलब नहीं होने के कारण। तो आप इतना टेंशन मत लेना, वो समझ जाएंगे, आप बस बता दीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, दैट्स इट। मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, तो आप इसको बेसिकली पॉजिटिव वे में लीजिए, आपने नहीं लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं कि आपने आपका इंटरव्यू अच्छे से नहीं होगा। तुम वो कोशिश ये उनकी संभावना ये रहेगी कि वो आपसे ये क्वेश्चन कर लेंगे कि आप क्या लिखना चाहते थे उसमें, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, तुम्हारी जिसमें एक्सपर्टीज हो तुम उस चीज के ऊपर बता दो कि सर मैं ये लिखना चाहता था, तो वो तुम्हारे लिए और भी हेल्पफुल होगा, तो इसको आप पॉजिटिव में भी लो, आप ज्यादा उसमें मत फंस जाओगे। हाँ
आशीष आप आपको खुद को अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकते हैं। अनम्यूट किया आशीष को। आशीष बोलिए। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस यस। हाँ बोलिए आशीष। नेक्स्ट नाम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आशीष का कनेक्शन प्रॉब्लम है तो। सौरभ इज इन द क्यू, सो सौरभ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। जी सर, जी सर, थैंक यू। सर मैंने सुना है कि इंटरव्यू मैक्सिमम 2 घंटे तक चलता है, और अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू हो और उसको 2 घंटे तक बैठना नहीं जम सकता तो वो क्या करेगा, उसके लिए फिर क्या प्रोविजन वगैरह रहते हैं? आपको किसने बताया इंटरव्यू 2 घंटे चलता है? वो स्टूडेंट एपीयू में से पढ़ा है क्या? सो कोई और स्टूडेंट है एलुमनी? राहुल कैन यू टेक दिस क्वेश्चन? तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है हर किसी का इंटरव्यू कितना होगा। ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा ही होना है। कुछ भी फिक्स नहीं है इंटरव्यू में। उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए कि ये पूछना है हमें, वो पूछना है हमें, या फिर यही हमें चाहिए। बस वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। अगर एक बार सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ स्टूडेंट में वो सब जो है जो हम सोच रहे हैं, हम जो देख रहे हैं स्टूडेंट में, क्योंकि उनको भी एक स्टूडेंट चाहिए उनके यूनिवर्सिटी के लिए जो उनकी एजेंडा को फुलफिल करने में उनकी मदद करे, है ना। तो उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो इंटरेस्टेड है उनके कोर्स में। तो अगर उनको वो चीज़ मिल जाए आप में तो हो गया। और आप अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड वगैरह और बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपसे नहीं हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे किसी ने बताया कि बहुत फ्रेंडली आप बात कर लीजिए, तो वो समझते हैं, वो भी इंसान है। एक बार आप समझ लीजिए कि आप कोई टेक्नोलॉजी, वो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं, मशीन नहीं है कि आपकी वो बातें आपकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। तो समझते हैं ना, वो भी इंसान है। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, क्या मैं अभी, जो भी आपको लगता है कि क्या मैं अभी हमारा इंटरव्यू कितनी देर तक चलेगा, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ऐसा मेरा हेल्थ इश्यू है, तो समझेंगे। शेयरिंग करना सबसे अच्छी बात होती है, और किसी से भी डरे नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए। जी जी धन्यवाद। मुझे ये जो है वो एपीयू के स्टूडेंट से ही पता चलेगा तो 2 घंटे तक चलता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा समझिए कि हाफ एन आवर, इससे बड़ा इंटरव्यू प्रोफेसर भी नहीं लेते। और इंटरव्यू कितना बड़ा हो, आप किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, उनको इंटरेस्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चनिंग और काउंटर क्वेश्चनिंग पे। और लगभग हाफ आवर है मतलब बहुत हो गया, इससे बड़ा इंटरव्यू नहीं होता। तो आप उस बारे में उनसे इतना मत सोचिए, उस बारे में टेंशन मत लीजिए। जी जी धन्यवाद। हाँ एक्चुअली जब ऑफलाइन वीडियो ऑफलाइन इंटरव्यू होते थे ना, तब वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता था। तो तब ये सिनेरियो था कि 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन वेटिंग रूम में था ना कि इंटरव्यू चलता था इतना लंबा। सो मैंने 2019 में दिया था, तब मेरा डेवलपमेंट में हुआ था, तब हम लोग 2 घंटा 3 घंटा पहले ही चले गए थे सेंटर पे। तो वेटिंग रूम में हम लोग ने वेट किया था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने दिया था MPG के लिए, सब ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन में कैसा, आपको एक स्लॉट मिलता है, जब आपको मेल आएगा कि आपका ये टाइम स्लॉट में आपका इंटरव्यू होगा, तो मैक्स टू मैक्स हाफ आवर या फिर 1 आवर आगे हो सकता है, लेकिन ज्यादा वेट नहीं कराते वो लोग। सो इतना लंबा नहीं चलेगा। हाँ इंटरव्यू आपका एवरेज आधा घंटा ही चलेगा या फिर 45 मिनट मैक्स, इतना लंबा तो नहीं होता। अभी 2 घंटा अगर ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है ये। हाँ वो इन पर्सन में तो हम जब दे रहे, तो हमारा इन पर्सन था ना, तो हमें तो सुबह गए थे हम, तो हम शाम को रिटर्न आए थे, हमें दिन भर बैठना पड़ा था।
सुबह से 9 बजे से बैठे थे तो हमारा नंबर 5-6 बजे आया था, फिर उसके बाद इंटरव्यू फाइनेंशियल का, फिर वो 7 बजे हुआ था शाम, तो वो तो अलग बात है। आपको वेटिंग करना हो सकता है कि हाँ आपको बोला जाएगा अभी इसके बाद 2 बजे आपका इंटरव्यू है, और किसी एक दो इंटरव्यू चल रहे हैं आपके पहले, और फिर आपको बोला जा रहा है कि मतलब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो जो पहले इंटरव्यूज है वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो वो हो सकता है, बट इतना कुछ नहीं है, इतना देर तक नहीं चलेगा। उनको दिन भर इंटरव्यू लेने हैं, उनकी हालत भी समझिए ना, वो ऐसे 2-2 घंटे एक स्टूडेंट पे वेस्ट करेंगे तो कैसे होगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज है आप लोग पूछ सकते हैं फ्रेंडली वे में, क्या गलत होगा क्या ठीक होगा ऐसे मत सोचिए, जो भी है मन में आता है पूछ लीजिए, डाउट्स जो है आप क्लियर करना जरूरी है। आशीष मैंने अनम्यूट किया, अगर ए भी मीट काम करे, आप मीट करना चाहते हैं आशीष, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। आशीष आप चैट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके अलावा ऋषभ और प्रदीप कुमार विशाल ये लोग भी है, तो यू कैन राइट एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, हाँ ऋषभ बोलिए। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का गैप है, और उसके दौरान मैं बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मतलब यूनिवर्सिटीज के लिए बस प्रिपेयर कर रहा था, और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करना, इसमें थोड़ा हेल्प चाहिए था। हेलो हेलो, हाँ सो ये मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा यूजी और पीजी में जो गैप था वो 3 साल का था, बट मैं ये 3 साल में मैं प्रिपरेशन कर रहा था सो सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप ऐसा कुछ कर रहे थे क्या उस दौरान, तो आप उनको थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते, मतलब उनको लगेगा नहीं क्योंकि आप अगर 3 साल एक ही एग्जाम के लिए या फिर एक ही मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो लगेगा कि 3 साल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसा कुछ है आपके पास कि जो आप बता सकते हैं, कि जैसे मेरे पास था कि मैंने 2-3 साल वो प्रिपरेशन कर रहा था, बट अभी मुझे लगता है कि मैंने सोशल चेंज के लिए मुझे एक हायर एजुकेशन लेना था, तो सो एक चेंज चाहिए था मुझे, तो मैंने ऐसे बताया था उनको, कन्विंस किया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे कन्विंस करके ही आपको उनको बताना है। तो सर पहले ऐसा था, हाँ सर पहले ऐसा था कि पहले मेरा भी इंक्लिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए था, यूपीएससी वगैरह के लिए, बट न्यूज़पेपर वगैरह फिर न्यूली फॉलो करना चालू किया था मैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो तब जाके मतलब सोशल इश्यूज के तरफ इंक्लाइंड हुआ था मैं ज़्यादा, तो तब फिर जाके मतलब मास्टर्स करने का प्लान किया था, तो एक्चुअली ये 2019 से 20 से भी स्टार्ट किया था मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना। तो आप वहाँ पे ऐसे मतलब जो है वो रिसेंटली आप बता सकते हैं कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद आपको फिर डिफिकल्टीज आई है, या फिर जैसे अभी कोविड का पीरियड था तो उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज थी अगर, या फिर वहाँ पे प्रिपरेशन करते हो अगर कुछ डिफिकल्टीज आई तो वो भी ऐड कर सकते हो वहाँ पर, बट आप उसको उनको ऑनेस्टली अगर बताएंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि आप क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की है, या फिर कुछ चैलेंजेस थे, या फिर आपने प्रिपरेशन किया तो आपका नंबर नहीं लगा कई जगह पे, तो या फिर कुछ फाइनेंशियल मतलब इश्यूज रह सकते हैं, तो जो कुछ भी इश्यूज आपने फेस किए हैं या फिर चैलेंजेस आए हैं आपको, तो आपको उनको मेंशन कीजिए, बट जब ये क्वेश्चन आपको जब टैकल करेंगे तो टैकल करते वक्त आपको बहुत ही कन्विंसिंग आंसर देना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करेगा कि आप कितना कन्विंसिंग उनको बताते हैं और ऑनेस्टली बताते हैं। सर हम क्या उनको ऑनेस्टली बता सकते हैं कि मतलब कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम के लिए जब अपियर हो रहे थे वो बस जॉब ओरिएंटेशन से था, पर जब ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने गए तो जब बेसिक बुक्स के साथ हम स्टार्ट किए पढ़ाई वगैरह, तब जाके हम अवेयर हुए बाकी सोशल इश्यूज और अपने इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम है उसके प्रति। हाँ, मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप बताएंगे तो यूपीएससी का ज्यादा नाम मत लीजिएगा, तो अंदर वाली जो पीएससी है या फिर जो कुछ भी है वहां तक
लिमिटेड रही है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यूपीएससी तक जाएंगे तो वो थोड़ा सा और डीपली जा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सिविल सर्विसेज बोला था, तो मैं थोड़ा सा मेरा मतलब डीपली गया था वहाँ पे, तो आप उतना ज़्यादा डीपली अगर नहीं जाना चाहते और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है तो आप बता सकते हैं कि कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट अभी माइंड चेंज हो गया या फिर लगा कि हायर एजुकेशन मुझे लेना चाहिए, तो ऐसे कुछ आप बता सकते हैं उनको। ओके सर, थैंक यू। मैं बोलूंगी इस पे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं सोच रहा था, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन में कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी खराब है कि हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं है। आप एक तो बीए ले लो, बीकॉम ले लो या फिर बीएससी ले लो, और बीएससी करके भी आपको कोई तो किसी से कंपनी में जाके जॉब करना है, और बीकॉम करके भी, और बीए जो कर रहा है वो बीए एमए वो कॉम्पिटेटिव की तरफ झुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ही तैयारी करते हैं, और वही हमारे पास ऑप्शंस है, और अदर कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास ऐसे बोलना गांव में। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यही कर रहे थे, तो अभी मुझे तो कोई ऐसी आइडिया नहीं थी कि लाइफ में क्या करना है, या फिर उतना एक्सपोजर ही नहीं था, तो मुझे भी एक इनडायरेक्टली वही था कि मेरा भी लाइफ सेट यही है कि मुझे भी अल्टीमेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही करना है। और कुछ खेती वगैरह है आपके पास तो बोल देना, या फिर घर में कोई लेबर काम वगैरह करता है, तो कंडीशन भी ऐसी ऐसी थी, तो मैं थोड़ा सा घर में भी हेल्प कर रहा था और सोच रहा था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो। लेकिन फिर जब मैंने ये स्टार्ट ही किया था, मैंने कोई एग्जाम नहीं दी, लेकिन मैंने जब स्टार्ट ही किया था कि मैंने माइंड बना लिया था कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, और तभी उसी दौरान मैंने न्यूज़पेपर ये सब पढ़ना शुरू किया, और मैं प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया मेरा। और फिर मुझे पता चला कि यार इतने प्रॉब्लम्स हैं, और मैं पढ़ के या फिर गवर्नमेंट सर्विस लेके मैं क्या करूँगा, पैसा कमाऊंगा घर पे दूंगा या फिर ये सब चीज़ें हैं, और कितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कितने प्रॉब्लम्स हैं ये भी मुझे पता चला। तो उसके बाद मुझे एक न्यूज़ पेपर में कहीं पर मैंने ये पढ़ा कि अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी इसी चीज़ पर काम कर रही है, ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ समाज में प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम पे ये काम कर रही है। तो फिर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जाने से बजाय मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये भी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे ना जाते हुए। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट में ला लीजिएगा किसी भी आंसर को, है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। प्रदीप का क्वेश्चन है, प्रदीप आपको अनम्यूट करो। हेलो हेलो, जय भीम टू ऑल। हेलो, यस प्रदीप, जय भीम, जय भीम। हां, मैं कहता सर जो एसओपी वो ये सब है क्या, एग्जाम के टाइम पे जो हम एसओपी लिखे, एक एसए लिखे हैं, एग्जाम के टाइम में जो हम एसए लिखे हैं वो ही एसओपी है क्या? हाँ हाँ वही है प्रदीप, वही है। हाँ, और एक सर, ये मेरा अभी सेमिस्टर चल रहा है, और जो मेल आया कि इस महीने 31 में पता चलेगा कि वो 4 से 8 के तारीख के अंदर इंटरव्यू होगा, तो मेरा एग्जाम सेमिस्टर भी चल रहा है अभी मेरा फाइनल ईयर का, प्लस थ्री का, तो अगर डेट सेम हो जाएगा तो मैं चेंज कर सकता हूँ क्या बोल के? तो तुम उनको जो है, तो अगर तुम्हारा डेट क्लैश कर रहा होगा तुम्हारा एग्जाम का और सेमिस्टर का, तो तुम उनको प्रोग्राम ऑफिस को मेल कर सकते हो, और तुम उनसे परमिशन ले सकते हो तुम्हारा इंटरव्यू डेट चेंज करने की। सो ये हो सकता है, तुमको उनको मेल करना पड़ेगा अच्छे से। जिस मेल से तुम मेल आया है ना सिलेक्शन का, उसे पे रिप्लाई कर दो, इंटरव्यू का जो मेल आया है ना उस पे रिप्लाई कर देना कि मेरी कर देंगे वो, की एग्जाम चल रही है और आपका भी इंटरव्यू का भी टाइम सेम आ रहा है, क्लैश हो रहा है, तो वो कर देंगे। और एक क्वेश्चन, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बॉटनी ऑनर्स से, तो बॉटनी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सो मेरा साइंस ही था बीएससी का, सो मुझे तो पहले उन्होंने पूछा था कि तुम इस फील्ड में आना चाहते हो, तो मैं बोला हाँ, तो ग्रेजुएशन के बारे में तो पूछा नहीं मुझे सिलेबस के बारे में, बट तुम साइंस से सोशल साइंस में क्यों आना चाहते हो ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि जैसे जैसे मैं मतलब न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल, मैगजीन पढ़ना चालू किया, तो मुझे जो सोशल इश्यूज है उनके बारे में मुझे मतलब कुछ आइडिया आने लगी, तो उस आइडिया को देख के फिर मैं उस
तो रिफ्लेक्ट करने लगा मेरे आजू बाजू के इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कैसे है, कास्ट सिस्टम क्या है, पावर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो फिर मैं ऐसे ऐसे इन चीज़ों को समझने लगा। तो फिर मैंने एपीयू के बारे में जाना, तो फिर एपीयू के बारे में जाना तो मैं उसका सिलेबस वो देखा, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे दिखी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें काम करना चाहता हूँ, जैसे सोशोलॉजी है, इकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब इनसे इंटरकनेक्टेड सब एक दूसरे से। तो इस कारण से मेरा इंटरेस्ट जगा और मैंने फिर एपीयू को अप्लाई किया। सो आप ऐसा उसको स्पेसिफिक थोड़ा तुम्हारे रीजन के हिसाब से, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम उसको आंसर दे सकते हो। जी सर। जय भीम एवरीवन। आवाज आ रही है? अभी जो मेरा डेवलपमेंट स्टडीज में हुआ है, तो आज डेट भी आ गई इंटरव्यू की, अभी रिसेंटली उनका मैसेज आया है। ओके, तो अभी मेरा बेसिकली यही क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हम प्रिपेयर, अभी हम सर्च करते हैं गूगल पे डेवलपमेंट स्टडी की डेफिनेशन या कहीं पे भी हम पढ़ते हैं, तो सबका इक्वल आता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप किस, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में जो आपके सिलेबस के इस पे आप क्या बोल, हमको क्या सजेशन देना चाहते हो, जैसे कि हमारे पॉइंट या सेम ना है गूगल पे पढ़ के या किसी बुक पे पढ़ के हम वही बोले, सबका वही सेम सेम हो जाए। मैं इसको लेना चाहूंगी। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट का जो इश्यू है ना, ये हर दिन क्लास में डिस्कस होता है। okay. और हर दिन ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट एग्जैक्टली। तो डेवलपमेंट की कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है। ये जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको गूगल पे मिल रही है, ये कैपिटलिस्ट मॉडल ने बनाया। आपको उतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप आने के बाद समझ ही जाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए? डेवलपमेंट आपके हिसाब से, आप गूगल की फॉलो करना, आपके हिसाब से डेवलपमेंट मतलब ये सही नहीं है ना। समझो, एक इंसान एक ही गाँव में, एक के पास 50 एकड़ खेती है, ओके, और एक के पास, वो एक इंसान, एक फैमिली, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पानी की सुविधा नहीं है, जिसके पास कल अगर कोई उसके घर में बीमार पड़ता है तो उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं है, और उसकी फैमिली को लेबर वर्क करना पड़ रहा है उस लैंड ओनर के यहाँ पे, और फिर आगे कल के लिए खाने के लिए उसको बचाना पड़ रहा है। तो आपके लिए, आपको क्या लगता है क्या है डेवलपमेंट? ये दोनों एक जगह पे आनी चाहिए। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मर रहा है बीमारी के कारण, मर रहा है, पानी नहीं है अच्छे से पीने के लिए, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये चीजें है ना, डेवलपमेंट यही है कि आपके एक ऐसी सोसाइटी है जिसको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है आज, वो तरस रहा है खाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, काम के लिए, घर के लिए, और एक ऐसा इंसान है जिसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो अगर मतलब सोना भी खाए तो उसके पास खा सकता है वो। तो यही डेवलपमेंट है कि आपको उसको उन चीजों से मतलब लोगों को वो चीजें देनी है जो जिसकी उनको बहुत जरूरत है बेसिकली, राइट? तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट के बारे में बताना, आपको क्या लगता है? ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, एक लीटर पानी। हेलो फ्रेंड, देयर इज सम क्वेश्चन विच आई हैव टू आस्क। ओके, आप चैट में पूछ। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अनुप भाई आ रहा है। हाँ हाँ, तो हम जो कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाले जो स्टूडेंट ने, तो जिस उसका आंसर हो, तो मतलब जिसको लगता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकते हैं, तो आंसर कर सकते हैं। हेलो, हाँ मैं ये जो चैट बॉक्स में देख रहा था, एक क्वेश्चन है कि मतलब उनका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, बुद्धिस्ट स्टडीज, पाली लिटरेचर और अम्बेडकर थॉट्स है, तो कौन सा सब्जेक्ट से वो रिलेट करना चाहते हैं? तो ज्यादातर वो पूछेंगे अंबेडकर थॉट्स को, मतलब वो कनेक्ट करेंगे डेवलपमेंट के साथ, वो ज्यादातर पूछेंगे, जैसे बाबा साहब का बहुत सारे अंबेडकर थॉट्स में बहुत सारे फील्ड में काम किया है उन्होंने,
इकोनॉमिक्स फील्ड में हो गया, सोशियोलॉजी का जो फील्ड में भी हो गया, और बहुत सारे फील्ड में जो काम किए हैं उससे ही रिलेट करेंगे और पूछेंगे। तो ज्यादातर खास करके वही चीज पूछेंगे और बुद्धि स्टडीज पूछेंगे, जैसे नॉन वायलेंस के ऊपर वो पूछते हैं कि गांधी ने क्या कहा है नॉन वायलेंस के ऊपर, बुद्ध ने क्या कहा है, महावीर ने क्या कहा है, वैसे एक कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है वो वैसे पूछेंगे। तो आप ज्यादातर उसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए जो ग्रेजुएशन में जो किए हैं, और डेवलपमेंट में आपकी लैंग्वेज में आप सोचिए थोड़ा सा। हेलो माना हेलो हेलो सर इंटरव्यू। हाँ बोलो। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन आया है। हेलो। हाँ हेलो। या हेलो एम ऑडिबल। हाँ प्रदीप। ओके एक और क्वेश्चन आया कि सर मैं जब फॉर्म फिलअप किया द फाइनेंशियल फॉर्म फिलअप किया था बट वो सबमिट नहीं हुआ, सपोज अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मैं इसका लाभ उठा पाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप यहाँ पे आते हो ना तो सपोज आपकी स्कॉलरशिप सपोज 0 है, 50 है, 75 है, 100% है, ठीक है, तो वो आपने क्या उसको पढ़ा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे आपको एक मेंटर मिलता है। सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे और आप यूनिवर्सिटी आते हो तो पहले तो आपको जो फीस पेड करनी है जो उन्होंने बोला वो तो करना पड़ेगा, लेकिन जब बाद में जब यहाँ पे आते हो तो आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, वो मेंटर से बातचीत करके आप अपनी स्कॉलरशिप पढ़ा भी सकते हो, ये पॉसिबल होता है यहाँ। इसके अलावा आप पहले ही उनको मेल कर सकते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, मैं भर रहा था फाइनेंशियल का फॉर्म बट वो नहीं हुआ, तो आप पहले भी मेल कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको वो फॉर्म फिर से फिलअप करने को बोले, मतलब इधर आने से पहले आप ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं। ताई मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। अभी तक अपने को एक डेढ़ दो घंटा हो चुका है, तो इतने सब समय में मैंने एक चीज नोटिस की है कि अपने जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, क्योंकि मुझे लगता है एपी के अंदर जो गर्ल्स का रेशो है ना वो बहुत जाता है, 60-40 है, तो गर्ल्स स्टूडेंट में भी क्वेश्चन करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके चांसेस होते हैं और अच्छे से तुम हैंडल कर सकते हैं, क्वेश्चन करिए, सभी करिए और स्पेशल भी करिए। यस आप लोग पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं अगर आप डाउट लगते हैं तो। लेकिन आपको टाइम कहाँ मिलता है हमें पता है, टाइम एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे आने के बाद, आप घर फैमिली आपका दोस्ताना सब भूल जाएंगे, इतना स्टडी होता है, असाइनमेंट स्टडी, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये सेमिनार वो सेमिनार, ये कोर्स वो कोर्स, ओपन कोर्स, ये लेक्चर वो सेशन, गेस लेक्चर, कॉम्पेंसेटरी क्लासेस, अरे बापरे आप सोच भी नहीं सकते कितना क्या होता है यहाँ पे। आपको एक मिनट का भी नींद में भी आपको ख्वाब में भी आपको स्टडी के सपने आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते जॉब करने के बारे में, और सोचना भी मत सब, मतलब जॉब ये सब अपने दिमाग से निकाल के आ जाइए, अच्छे से स्टडी करने के लिए आ जाना। कुछ प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली वो तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करने की कोशिश करना, यहाँ पे भी मेंटर्स वगैरह मिलते हैं, थोड़ा सा किसी से बात करेंगे तो हो जाएगा, या फिर वो लर्न एंड अर्न का भी एक कंसेप्ट है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होते हैं कॉलेज के अंदर, बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको मतलब नीडी है तो फाइनेंशियली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा। और एक ने क्वेश्चन पूछा है कि वो डिसेबल है तो मतलब वो बता सकती हूँ क्या बोल रही है, तो शायद वो बता सकते हैं उसके बारे में। हाँ बता देना क्योंकि कोई ज्यादा यहाँ पे नहीं है,
नहीं उसमें उसमें होता है डिसेबल लोग भी होते हैं, लेकिन तो वो बताएगी तो और ये रहेगा मतलब और थोड़ा रेलिवेंट रहेगा और वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। आप बता सकती हो जो है आप शेयर कर सकती हो। और एक क्वेश्चन शायद है कि एमकॉम और मतलब सोशल साइंस में एमए किए हैं और एमए करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं आप और एक पीजी कर सकते हैं आप। वो आपको ये है बोलना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपको आप किस तरह का मतलब वो पीजी किए थे और ये पीजी में क्या करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आपको क्लियरली उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। वही है, अदरवाइज कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग डबल पीजी करके भी और पीपीजी करते हैं। ठीक है, मैं डबल पीजी वाले क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगा कि जैसे आप डबल पीजी कर रहे हैं, आपका एमकॉम हुआ है तो आपका कुछ तो भी एक सोशल इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन यही करेंगे कि जेपीयू में क्यों आना चाहते हैं, क्यों पीजी करना चाहते हैं। और डेवलपमेंट है तो आपका एक कोई ना कोई एक सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए कि जिसको आप कन्विंस कर सको कि हाँ मुझे इस वजह से एपीयू में आना है, इस वजह से वहां पे पढ़ना है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए कि आपके एरिया के प्रॉब्लम्स क्या है, आप क्या आंसर बताएंगे, क्या स्टोरीज बताएंगे, तो इसके ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिए। प्रिया क्वेश्चन है, प्रिया आपको अनम्यूट कर दिए। हेलो, हां एम आई ऑडिबल सर? हां प्रिया, हेलो, हां प्रिया बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हुआ है तो वो मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्यों आना है यहाँ पे इंजीनियरिंग छोड़के? हाँ हेलो, तो मेरा भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था तो ये मुझे भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स रहते थोड़ा ज्यादा ही पूछ लेते उनको, तो आपको एक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फिर उनको टैकल करना है क्वेश्चन को कि आप शिफ्ट क्यों करना चाहते, क्योंकि वो जो इंजीनियरिंग वो टेक्निकल है और आप सोशल में आ रहे हो तो इसका व्हाई का जो क्वेश्चन है व्हाई शिफ्ट, तो ये क्वेश्चन के आपको आंसर रखना है और आपका इंटरेस्ट उसमें क्या है, आप मतलब क्यों आना चाहते हो, ये आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें। आपको वो भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप क्या क्या पढ़े हैं या फिर कौन से कोर्सेस किए हैं या फिर लर्निंग्स क्या रही है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, ये पूछेंगे। उसके बाद आपको पूछेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का डेवलपमेंट से कनेक्शन पूछेंगे आपको कि इंजीनियरिंग टू डेवलपमेंट आपका अगर डेवलपमेंट है तो वो कनेक्शन क्या है। ठीक है, आप शिफ्ट कर रहे हैं वो ओके, बट आप इंजीनियरिंग थ्रू यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ऐसा एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो वही क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपके इसमें कुछ गैप होगा तो वो गैप के रिगार्डिंग भी वही क्वेश्चन पूछेंगे कि शिप है तो सर मेरी सिर्फ वन ईयर की गैप है, एक्चुअली मेरा 2020 पास आउट है। लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था एपीयू के लिए अप्लाई किया था लेकिन तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर ट्राई किया था एपीयू के लिए अप्लाई किया था बट वहाँ पे तब नहीं हुआ था, बट आप मैं फिर से वहाँ पे मतलब कोर्स करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उस सेक्टर में या फिर उस चीज़ में, तो आप उनको मतलब जो भी रियलिटी है या फिर जो भी ऑनेस्टली आप उनको बताइए, क्योंकि जितना आप ऑनेस्टली बताएंगे उतना आपके चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो ये और कॉन्फिडेंटली बताइए जो कुछ भी बताएंगे ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली बताइए, वो आपको कंसीडर कर लेंगे। ओके सर, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं क्या, मतलब हमारे जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं? हाँ वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि आपका ग्रेजुएशन मतलब किस कोर्स में हुआ था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग आपने अगर फाइनल ईयर में आप थे तो फाइनल ईयर में आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट अगर किया? अच्छा हाँ, तो वही पूछना था मुझे वो प्रोजेक्ट के बारे में क्या पूछते हैं, मतलब मेरा प्रोजेक्ट तो ऐसे सोलर पावर सिस्टम की तरफ था, लास्ट टाइम मैंने एसओपी में ऐड भी किया था मेरे वो प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी आपको पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या किया है, क्या चैलेंजेस आई है,
तो ऐसे कुछ पूछ सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट से और मतलब कैसे कनेक्शन वगैरह हो सकता है क्या, तो आपको ऐसे चीजें पूछेंगे। और जो कोर्सेस आपने लर्निंग किया है तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के बारे में जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मल चीजें या फिर फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ आपको पूछ सकते हैं, जो सिंपल 10th स्टैंडर्ड तक जो रहेंगे, या फिर इवन आपके इसमें भी कुछ ऐसे टर्म रहते हैं जो इजी टर्म रहते हैं, तो वो उसके ऊपर आपको फोकस कर सकते हैं। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आपका प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पे था, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मतलब सोशल टॉपिक में हम जैसे रिलेट करें तो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक आता है, तो आप ऐसे सोशल टॉपिक क्लाइमेट से रिलेटेड उसको आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, जो कुछ टर्म्स रहते हैं है ना, उसके बारे में आप अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे व्हाई वी चूज दिस प्रोग्राम, उसमें मैंने इश्यूज को अलग डाले थे कि फार्मर इश्यूज पे काम करना है, लेकिन अगर लोकल एरियाज के इश्यूज है वो मैंने दूसरे डाले हैं, तो वो एग्जैक्ट वो सेम होने चाहिए क्या? मतलब मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि वो ये बोल सकते हैं ना लोकल एरिया के इश्यूज आपने आपके ये है और आप तो फार्मर इश्यूज पे काम करना चाहती है, ऐसा कुछ? हेलो, यस यस, हाँ आप रिलेट कर सकती हो, फार्मर इशू भी जो होता है तो वो भी तो लोकल एरिया का इशू होता है ना, तो आप उसमें हाँ। आप रिलेट कर सकती हो, उसमें कोई ये डिफरेंस नहीं है, आप रिलेट करके वो बता सकती हो। हाँ, तो जैसे मैंने लोकल एरियाज के दो सर ने हमको दो दो पॉइंट्स बनाने को बोले थे, तो हमने हेल्थ पे हाइजीन पे बनाया और अनएम्प्लॉयमेंट पे बनाया था, और जैसे एक टॉपिक को बोला था सर ने कि उसमें आप कहाँ पे काम करना चाहते वो कीजिए, तो वो मैंने इश्यूज ऑफ फार्मर डाला था, तो मुझे वही कंफ्यूजन था। हाँ, आप जैसे मतलब कनेक्ट कर सकते हो फार्मर्स के, उसका हेल्थ में क्या इम्पेक्ट है या उसका आप क्या मतलब कैसे जुड़ना सकती जुड़ सकती हो, ऐसे आप कुछ रिलेट कर सकती है। हेलो, यहाँ पे आप दो मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर दो टर्म्स अलग अलग है, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आपने फार्मर्स के ऊपर बताया है, और जो दूसरा है वो एरिया में कौन से चैलेंजेस है या फिर इशू है, तो वो एक दूसरा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब दो चीजें अलग अलग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपके एरिया का चैलेंजेस या फिर इशूज। तो आप अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर उसके ऊपर ज्यादा आप फोकस करेंगे तो वो आप उसके ऊपर ही ज्यादा काम करेंगे। अगर आपके एरिया में जो कुछ भी प्रॉब्लम है बट आपका वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप उसके ऊपर कैसे मतलब काम कर सकते हैं। और दूसरा ये भी मतलब वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए कि आपके एरिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर जो कुछ भी इश्यूज है वहाँ पे, तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखिए, एक इंटरेस्ट के हिसाब से और दूसरा इश्यूज के हिसाब से। और एक सर क्वेश्चन दूसरा था कि जैसे मैम ने बोला था कि कॉम्पिटिटिव इश्यूज में आप ऐसे बता सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इश्यूज में आपके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इस वजह से आप एपीयू में आ रहे हैं, तो वो तो निगेटिव स्टेटमेंट जाएगा ना सर कि इसमें आप का नहीं हो रहा है इसलिए आप आ रहे हैं, तो ये करेक्ट नहीं होगा ना बताना। हाँ बराबर है, क्योंकि अगर आप बताते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ तो उनको ऐसा हो सकता है कि वो राइट तो उनको ये परसेप्शन मतलब जा सकता है कि यू आर कमिंग हियर फॉर जॉब है ना, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं, तो आप जो है कि अगर आपका गैप वगैरह है क्या कुछ? यस सर, मेरा एक्चुअली थोड़े घर में भी थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो बहुत लंबा गैप है मेरा, 6 years का। हाँ, तो फिर भी आप बता सकते हैं आपने जो इश्यूज फेस किए हैं रियल लाइफ में, जो इश्यूज रहते हैं अगर आप वो बताएंगे तो उनको समझता है कि हाँ इसका अवेयरनेस अच्छा है ये। मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे जो प्रॉब्लम है, हम गरीब है तो ये हमारा नसीब है ना, बट अगर आप एनालिसिस करते हैं कि मैं गरीब हूँ इसके पीछे ये कारण है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन स्किल दिखाते है, आपका अवेयरनेस दिखाता है, तो आपके जो कुछ प्रॉब्लम है आप उनको जेन्युइनली बताइए, इतना कुछ इश्यू नहीं है, आप बता सकते हो सबके बारे में,
आप ये भी बता सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगा ही, तो आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ इसके कारण मैं थोड़ा प्रिपरेशन भी कर रही थी, लेकिन फिर मुझे एपीयू वगैरह के बारे में पता चला कि मैं और पढ़ सकती हूँ, ये चीजें वहां पे पढ़ाई जाती है, जेंडर इनइक्वालिटी, इंटरसेक्शनलिटी वगैरह, कि मुझे किसी दोस्त से इंफॉर्मेशन मिली या फिर कैसे आपको एपीयू के बारे में पता चला, तो आप उनको ये बता सकते हैं। और दूसरा, जो आपने इश्यूज ऑफ फार्मर पे इंटरेस्ट है बताया, तो मैं ये बोलूंगा कि जो थ्री फार्मिंग जो फार्मर लॉ थे ना अभी ये रिसेंट का, वो बहुत बड़ा इश्यू था, तो हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट ऑन, मतलब फार्मर पे किस प्रकार के वो इम्पैक्ट डालने वाले थे, है ना, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। और अगर आपके घर में खेती वगैरह होती है तो वो अच्छी बात है, आपको बेसिक जो नॉलेज चाहिए उसका तो अच्छा ही होगा, तो आप उसके ऊपर थोड़ा आंसर प्रिपेयर करके, थोड़ा मतलब ऐसा कुछ भी रिलेटेड आंसर आता है तो जेन्युइनली उनको बताओ। एक तो गैप के बारे में भी आप अपने इश्यूज बता सकते हैं कि ये इश्यूज थे, क्योंकि प्रोफेसर अवेयर रहते हैं, प्रोफेसर को पता है कि सोसाइटी में क्या इनइक्वालिटी है, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फिर वुमन अगर रहे तो आपको क्या क्या चीजें फेस करना पड़ता है, तो इनके बारे में उनको पता है तो आप बताएंगे तो बता सकते हैं। ठीक है सर, मैं वो ये नहीं बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव में मुझे इश्यूज आ रहे थे करके, ये क्योंकि नेगेटिव में जाएगा, तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन किया था उस वक्त और एडिटोरियल और न्यूज़पेपर से मुझे थोड़ा अवेयरनेस हुआ ऐसे ही करके। हेलो, हाँ ऐसे आप बता सकते हैं, और इसके अलावा ये भी कोई मतलब एपीयू के किसी के साथ आपके कांटेक्ट होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि एपीयू में ये चीजें पढ़ाते हैं, वो चीजें पढ़ाते हैं, इस इशू के बारे में बताते हैं, तो मुझे उससे इंटरेस्ट पैदा हुआ और इसलिए मैंने फिर एपीयू का एंट्रेंस दिया। आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं। तो मैं भी ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपका 6 साल का गैप है तो आप एग्जाम के बारे में नहीं बात करना चाहते, तो आप इसमें तुम्हारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, जो तुमने वर्क किया है, जो तुमने प्रॉब्लम देखी है, वो तुम ऐड करना चाहते, क्योंकि मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, उसका भी ऐसी सेम था, उसका 3-4 साल का गैप था और वो एग्जाम कर रही थी, तो उसने उसके लाइफ के बारे में, उसका एक्सपीरियंस जो पास्ट में रहा है, जो डिफिकल्टी है, चैलेंज है, उसको तुम अच्छे से उनको, ताकि उनको अंडरस्टैंड हो, इस तरीके से बता सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आशीष फिर से, आशीष आपका आवाज आ रही है? हेलो, आपका आवाज हाँ आ रहा है। मैम, मैंने जब फॉर्म फिलअप किया तो मैंने YCM जो यशवंत चव्हाण मुक्त विद्यापीठ है तो उससे फॉर्म फिलअप किया है, तो उससे फाइनली है मेरा, तब जब मैंने 1 गैप था मेरा, तो मैंने उसके बाद BHW में एडमिशन किया है, तो BHW में मैं सेकंड ईयर यानी अभी 4th सेम चल रहा है मेरा अभी, तो मैम इसमें मुझे क्या मतलब क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? विजय मुझे कौन आंसर देगा? आपका क्लियर नहीं है शायद, मतलब आप सेकंड ईयर में हैं या फिर कैसे? जब मैंने मतलब एडमिशन डालने वाला था, जब मैं 12th के बाद, तो इंटर ओके, तो YCM में एक बैकअप प्लान करके मैंने डाल दिया था, जो तब फॉर्म YCM मुक्त विद्यापीठ में, तो मैं ITI करने वाला था, बट ITI ड्रॉप आउट करके का एक साल गैप पड़ गया, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से उस साल कुछ नहीं कर पाया, तो अगले साल मैंने BHW में फॉर्म डाला है, तो अभी BHW का सेकंड ईयर है चालू, और मैंने YCM से जो YCM से ये डाला है APU के लिए। नहीं नहीं, मतलब आपका कंप्लीट हुआ है YCM से, आपने कंप्लीट किया है कुछ या फिर फाइनल ईयर के इसमें है? फाइनल में है YCM से। YCM में आप क्या कर रहे हैं उसमें? फाइनल है, फाइनल ईयर में BA। BA में आप फाइनल ईयर में, तो आप उसको ही कंसीडर करके चलिए, ना कि BSW को।
क्योंकि आप बीएसडब्ल्यू जो कर रहे हैं वो अभी ये है मतलब सेकंड ईयर में है, बट वो तो आप कॉलेज जा रहे हैं कि कॉलेज नहीं जा रहे फिर बीएसडब्ल्यू के लिए? मैं अभी हॉस्टल में हूँ। तो आपको ये कंटिन्यू करना है बाद में, अगर सपोज आपका एपीयू में हो जाता है सिलेक्शन तो आप एपीयू में आएंगे या फिर वो कंटिन्यू करेंगे, कैसे करेंगे? आपने दो कर रहे हैं, अगर आपको एपीयू में अगर कंटिन्यू करना है तो आप फिर वो बीएसडब्ल्यू का साइड में रखिए, और जो वाईसीएम में किया है जो कुछ कोर्स बीए कोर्स तो उसके ऊपर फोकस करके ही आपको कंसिडर करना है पूरा इंटरव्यू। अदरवाइज अगर आप ये बता दें कि मैं बीएसडब्ल्यू भी मेरा चालू है तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके सर, और सर ए भी बोल सकते उनका क्वेश्चन कि आपको कुछ मतलब जो क्लास वगैरह को कुछ नॉलेज नहीं है स्टडी में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पूछेंगे आपको नॉलेज है नहीं, आप जिस जैसे ही मतलब आंसर देंगे उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। बट अगर ओपन यूनिवर्सिटी से किया इसीलिए मैं बोला, नहीं ओपन यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कोई ओपन यूनिवर्सिटी का कोई इश्यू नहीं है, आप मतलब नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, आपको अगर पूछेंगे तो, नहीं तो आप नहीं बता सकते, डिग्री का तो वैल्यू सेम है ना ओपन यूनिवर्सिटी का, तो उसके बारे में कोई मतलब इतना मत सोचिए। ओके ठीक है सर। और सर एक भी हो सकता है कि मुझे इंग्लिश उतनी मतलब क्लियर नहीं आती है, बोलना नहीं आता उतना क्लियर। आप हिंदी में तो बोल सकते हैं ना? हाँ हिंदी में हाँ बिल्कुल हिंदी में बोल सकते हैं आप, इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, और एक ओपन कोर्सेस भी है एपीयू में, जब आप वहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट होंगे तो इंग्लिश उसमें भी आप सीख सकते हैं, एक ओपन कोर्सेस होता है पहले जो सेमेस्टर में, उसके लिए आप कोई मतलब वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। लैंग्वेज का कोई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास टाइम है तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है ना, तो आप थोड़ा तैयार कर सकते हैं पहले से ही है ना, और उसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं और अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आ रही है या फिर आपको वर्ड्स पता नहीं चल रहे तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर कैन आई टॉक इन हिंदी, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा मतलब प्रयास उनको दिखना चाहिए। आप पहले से ही बोलेंगे कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता तो उनका तो ये रहेगा कि भाई आगे चल के आपको पूरा मास्टर इंग्लिश में करना है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीजें है ना। ओके सर। हाँ और अभी टाइम है तो हमारे जितने भी लोग है तो सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉल करके एक मतलब एक क्वेश्चन पूछ सकता है किस तरह का क्वेश्चन, और उसका आंसर दूसरे वाला जो है वो दे सकते हैं, ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने दिन भी बचा हुआ है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी तरीके से, ऑनलाइन में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको कैसे कहना है, क्या किस चीज में इम्प्रूव करना है, कौन से चीज में आपको और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, ये आपको ये 10 दिन भी होगा आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं उसी बीच, तो सही रहेगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो संगीता ने हैंड रेज किया है ताई। हाँ संगीता एक और बात, आप किस किस सब्जेक्ट के लिए मिस डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये बता दीजिए, इससे क्या होगा कि हमको नहीं कि आपको थोड़ा बताने में भी दिक्कत नहीं जाएगा कि आप के लिए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं और आंसर उसकी क्या हो सकते हैं। हेलो आवाज आ रही है मेरी? सबको जय भीम। मैंने एजुकेशन से मतलब एपीयू में एग्जाम दिए थे, एग्जाम के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, बट मेरा एक ही क्वेश्चन है, मेरे एमए में मेरे 7-8 साल मतलब गैप लग गया है और उसके बीच में मेरी कोई एजुकेशन नहीं हुई, बस घर के इश्यूज के वजह से नहीं कर पा रही थी मैं कोई भी यूनिवर्सिटी में ट्राई,
तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ अगर इंटरव्यू में मुझसे कुछ पूछा जाए तो? हेलो विजय। हाँ विजय, कोई आंसर देना चाहिए? हेलो हेलो। हाँ हाँ, तो आप देखिए, आपका इतना गैप है तो मैंने इससे पहले भी एड्रेस करते हुए बताया कि वुमेन्स के क्या इश्यू होते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसमें से पैट्रियार्कल, बॉयज को प्रेफरेंस देना, तो ये सब चीजें के बारे में प्रोफेसर्स को पता है। तो आप जो कुछ इश्यू है, जो कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं, घर के प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो आप उनको बता सकते हैं। और इतने गैप के बाद आप एक एंट्रेंस जो इंग्लिश में हो रहा है, उसमें मैथ सब कुछ पूछा जा रहा है, वो क्लियर कर रहे हैं, तो आप वो अपना स्ट्रगल भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपने तैयारी किए, क्यों किए, तो ये सब चीजें आप बताते हो तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। और आई मीन यू कैन टेल अबाउट योर स्ट्रगल। एक क्वेश्चन और था, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बीए की है, एमएनए की है, तो क्योंकि फिर वो डबल क्वेश्चन करेंगे कि आप एमए डबल एमए क्यों करना चाह रहे हो, ये वो। आपका एमए हो गया है कि? हाँ, मेरा एमए हो गया है, पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब अभी एजुकेशन में, तो आपका मे बी एजुकेशन में गया है आपने? जी। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है कि आप एमए करो या कुछ करो, आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन और एजुकेशन लेना है, और आपका गैप भी है, मैटर नहीं करता कि आप कितने साल का गैप है, कितने है। जैसे कि मैंने, मेरा बैच था 2019, तो मेरे साथ ऐसे भी लड़के थे, मतलब लड़के लड़कियाँ जिनका एज मतलब 50 भी था, मतलब 50 साल था, किसी का 55 साल था, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मतलब काफ़ी टीचिंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी जिन्होंने छोड़ दी थी बीच में पढ़ाई और एकदम से स्टार्ट किया। काफ़ी एपी में अगर मतलब बेसिकली अगर एजुकेशन के लिए जाना चाहते तो वहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपका एजुकेशन गैप है तो आपको नहीं लेंगे। अगर आप उसको जेन्युइनली मतलब ये बताएंगे कि आपका सोशल, इकोनॉमी और जो कुछ भी आपको लगता है कि रिलेटेबल आपका क्वेश्चन और इश्यूज है, जो कुछ भी आपकी क्वेरीज है, और आपको उनको कन्विंस कर पाते हो, तो मतलब वो कन्विंस हो जाएगी, मे भी आपको मतलब मिल भी जाएगी। पर एक है कि मुझे जितना हिसाब से लगता है कि अगर जो कुछ भी लड़के मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका मतलब डिफिकल्टी है सोशल इकोनॉमिक रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड, मे भी दे मतलब प्रेफरेंस पहले उनको मिलता जाता था, और आपका एक गैप भी इतने और इतने साठ मतलब आठ सौ के गैप के बाद अपनी यूट्यूब का मतलब इंटरेस्ट एकदम निकला है, तो आपको मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा कि ये इंटरव्यू फेस करने की। सिर्फ एक है कि जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, जो इतने सारा गैप है, सिर्फ उसको रीजन करना पड़ेगा आपको, आपके हिसाब से सोशल और एजुकेशन जो प्रॉब्लम आपने फेस की है। जी, थैंक यू सो मच। और किसी के मतलब क्वेश्चन है कि जो आपको लगता है कि वो मतलब पूछना चाहिए, और मतलब यहाँ पे बहुत सारे अपने अलमनी और जो कुछ भी अभी स्टडी कर रही है वो स्टूडेंट है हमारे, तो आपके फ्रीली आप मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कुछ भी रिलेटेड आपके माइंड में आता है क्वेश्चन, किसी भी जो आपको लगता है कि इंटरव्यू पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि क्यों, तो आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको भी ऐसा कि डर लगता है कि मतलब पूछने की, आप चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन डाल सकते हो। हेलो ताई। हाँ मुझे। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं हो गया तो मैं अभी दो मिनट में दो तीन पॉइंट बोलना चाहता हूँ। देखिए, जो मैंने नोटिस किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एपीयू जो है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो फैकल्टी है प्रोफेसर, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उनमें। जैसे कोई मेडिकल फील्ड से भी है, कोई फॉरेंसिक से भी है, कोई इंजीनियरिंग भी है, तो आपको कोई भी पैनल में कोई भी मिल सकता है, तो इससे भी तुम थोड़ा अवेयर हो सकते हैं। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश तुम्हारी मैटर नहीं करती, तुम हिंदी में भी बोल सकते हैं, बट तुम्हारा कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो ये भी है। और ओवरऑल तुमको पूरे इंटरव्यू में तुमको हॉनेस्ट रहना चाहिए, जो सच है वो सही बताना चाहिए, और
इंटरव्यू के टाइम में भी ज्यादा तुमको पैनिक होने की जरूरत नहीं, और तुम जो क्वेश्चन आंसर हो गए उसको मतलब अच्छे से ग्रेजुअली, तुम सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जो क्वेश्चन होगा उसको बहुत ग्रेजुअली उसको अच्छे से सुन के उसके ऊपर एक ग्रेजुअली तुम एक आंसर दे सकते हो। तुम्हारे फेस पे थोड़ी स्माइल रखना चाहिए ताकि फैकल्टी को एक आपसे थोड़ा सा केमिस्ट्री बनाने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो ऐसे यहाँ पे जो हम रहे यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के साथ, तो उनका ओवरऑल यही होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा जैसे ऑनलाइन होगा तो तुम्हारे लैपटॉप वगैरह नेटवर्क वगैरह ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ पे नेटवर्क को कनेक्ट ना हो। और अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट बात कि आप अभी इंटरव्यू के टाइम में आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो ताकि आपको इश्यू ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो बस यही मेरे तरफ से पॉइंट था, सो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। तो थैंक यू सर जी। आफ्टर 10 आवर्स सी इज क्लोज, मतलब 3:05 हेलो सर सी हां वाटर। किसी का क्वेश्चन है अभी लास्ट, इसमें बता दीजिए तो फिर सेशन रैप अप करना है। मुझे ये पूछना था कि मोबाइल में होगा या लैपटॉप में ही इंटरव्यू होगा, ये मुझे पूछना था। जो लोग भी अभी करंटली है एपीयू में, मोबाइल से भी हो सकता है और लैपटॉप से भी हो सकता है, दोनों से। इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा तुम्हारा 10 मिनट पहले तुमको एक मेल आएगा कि तुम्हारा इस समय पे इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो आप रेडी रहिए इंटरव्यू के लिए। तो वो तुमको वेटिंग रूम में, अगर तुम लिंक से ज्वाइंट हो जाएंगे बट तुम वेटिंग रूम में रहेंगे तब तक वो आगे वाला पर्सन मीटिंग लेट ना कर दे, तो फिर वो तुमको अलाउ करते हैं। और इंटरव्यू के अंदर पैनल के अंदर कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं, फीमेल और मेल दोनों फैकल्टी होती है। हेलो, एक बात मुझे बोलनी थी कि ये बात मेरे साथ भी हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था कि हमको सारे यूनिवर्सिटी के मेल जो है एपीयू की ईमेल आईडी से आते हैं, मतलब apu@admission ऐसा कुछ तो ईमेल आईडी रहेगा, वहां से आते हैं सारे मेल्स। लेकिन वो जो इंटरव्यू का लिंक है वो किसी पर्सनल आईडी से आया था, समथिंग क्रिश्चियन नाम था, थॉमस ऐसा कुछ तो भी। तो मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने उस मेल को इग्नोर कर दिया कि ये मेरा इंटरव्यू का आईडी नहीं है। तो जब भी आप नए कोई मेल बॉक्स में मेल हमेशा चेक करते रहिए कि आपको कब मेल आता है। जनरली होता है कि इंटरव्यू का जो आईडी का मेल आता है कि इंटरव्यू को ज्वाइन करना है उस आईडी से, जूम आईडी से, तो वो आईडी जो है वो मुझे एडमिशन वालों ने नहीं भेजी थी, एक पर्सनल आईडी से आया था। तो ऐसा इस बार भी हो पता नहीं, लेकिन ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको मेल बॉक्स अच्छी तरह से चेक करना है जब भी आपका इंटरव्यू का दिन हो, तो ताकि आप इंटरव्यू मिस ना करें, स्पैम फोल्डर्स भी सारे चेक करते रहिए। थैंक यू सर। और कुछ पूछना है किसी को? टाइम ये तो पूछ लो। जो भी आपके मन में हो प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए। सर जी आपको कुछ बोलना है? आप मतलब अभी आपके जो कुछ भी क्वेरीज हो, मतलब जो जस्ट कल हमारा कन्वर्सेशन जो हुआ था सर के साथ, और जो आपने क्वेश्चन भी रखे थे कि जो सर से आपने पूछ रहे थे, यहाँ पे अभी हमारे सभी अलुमनी हैं, तो मे भी आप सभी आपके जो कुछ भी क्वेरी जो आपको पूछना चाहते हो कभी यहाँ पे आपके लिए मतलब खाली है, मतलब फ्री आप अपनी थॉट अपनी आइडिया रख सकते हो, कैसे उसको बिल्ड करना चाहिए अपना आर्गुमेंट अपने, और कुछ पॉइंट आपको उसको जस्टिफाई कैसे करना है, आप सब कुछ जो कुछ क्वेश्चन है आपके तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। और ये भी जो मतलब कोई ना कोई आप मतलब सभी कि आपको आंसर कर देंगे उस क्वेश्चन को, कहीं उसको कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कैसे करना, मतलब आंसर कैसे देना है और उसको कैसे जस्टिफाई करना है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू आगे कैसा चले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे कि मैंने मेरे इसमें बताया कि मैं एजुकेशनल प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था कि मैं गांव से पढ़ा, फिर तहसील से पढ़ा, फिर डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा, फिर डिवीजन लेवल पे पढ़ा, लेकिन एजुकेशनल प्रॉब्लम मैंने बताया,
है ना, और मेरा जो कोर्स था वो डेवलपमेंट था, तो उसका एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि क्यों डेवलपमेंट और क्यों एजुकेशन नहीं, तो ये मैं पहले ही सोच के गया था कि मैं अगर ये बात बोलूंगा, ये क्वेश्चन का अगर ऐसे आंसर दूंगा तो स्वाभाविक है कि वो इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो कुछ उनको आंसर देंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ अगर उनको गैप लगे या फिर आप किसी टर्म का यूज करते हैं, लाइक मैंने कुछ इक्विटी या हेजीमनी टर्म यूज किया था, मैंने HDI टर्म यूज किया था, तो उन्होंने उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन किया था कि HDI जो आप बोल रहे हैं तो उसको कैसे मापते हैं, उसके बारे में आपको पता है क्या, तो मैंने मुझे थोड़ा पता था तो उसके बारे में बताया और बाकी का नहीं पता करके बोल दिया था। हेजीमनी जो टर्म था उसके बारे में भी उन्होंने पूछा, तो आप जो कुछ टर्म यूज करेंगे या फिर जो कुछ बताएंगे तो उसके ऊपर वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तो आप पहले से थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा बहुत एक अंदाज लगा के चल सकते हैं कि अगर मैं ये कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब बातें आप थोड़ा ध्यान में रख के थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए। और किसी को कुछ बोलना है? दीपिका ने अपना चैट बॉक्स को देखा है, आपके आपके में आप सबको इनका नंबर मिलेगा, आप कभी भी मतलब इनसे बात कर सकते हैं। अगर हम हो सकता है कि कल या परसों फिर से हम मीटिंग ले या मॉक इंटरव्यू प्रश्न ले हमारे के साथ हम वो भी कर सकते हैं। जो अभी नहीं पूछना चाहते क्वेश्चन, जैसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है तो किसी को पूछना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ताई के पास कांटेक्ट नंबर है तो आप कंफर्टेबल होके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे लगता है फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन यहाँ पे आज के लिए खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम एजुकेशन का भी रिजल्ट आएगा तो तब भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना? थैंक यू ताई, खूब दिवसन अंतर। यस ठीक है ताई, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू ताई फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बंद हुआ फिर क्या आएगा?